Let's start. तोड़ मालिक, तोड़ 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 मालिक। तो दौड़ मालिक, भारत माता की जय मालिक। गुड इवनिंग मालिक, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो कैसे है मालिक? तोड़ मालिक, तोड़ तोड़ तोड़। तो भारत माता की जय मालिक। तो गुड इवनिंग मालिक, होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड। और आशा करता हूं कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो भारत माता की जय मालिक। मालिक, ये हो सकता है ये कुछ माइक का, किसी को थोड़ा सा वॉइस का इशू आ सकता है, बिकॉज ये माइक थोड़ा सा ये इस तरह का माइक है। बट मेरे ख्याल से उसको थोड़ा सा आप थोड़ी सी सेटिंग में कुछ चेंज कर लीजिए, बिकॉज उस आवाज में जम जाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि दूसरा माइक है ना लग नहीं रहा है। जो मेरा सिस्टम जो नया लाया हुआ है उसमें कनेक्ट हो नहीं रहा मालिक, जो एक रोड़े का माइक है। तो ये पॉइंट है। ओके सर, डर लग रहा है, कोई टेंशन नहीं है, डर के आगे जीत है बेटा। ओके, डरने डर लगने दे, सारी चीजें होने दे, फटने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मेहनत करना छोड़ मत मालिक। ओके, सारी चीजें होने दे, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, कोई चिंता मत कर, बस मेहनत करते रहे, कंसिस्टेंट रहे, कंसिस्टेंट जितना रहेगा उतना तेरा काम आसान होगा मालिक। भारत माता की जय। एवरीबडी क्लियर मालिक? ओके, तो मैं एक्सपेक्ट करूं मालिक कि आप बहुत तोड़ कर रहे होंगे मालिक। ओके सर, हैंडसम लग रहे हैं, थैंक यू मैन। अरे किसी ने तो हैंडसम बोला, मां कसम साला इधर जिंदगी में कोई बोल नहीं रहा हैंडसम। ओके, कोई तो मुझे हैंडसम बोल रहा है मालिक, बढ़िया है। ओके सर, आज चैप्टर 4 फिनिश हो जाएगा मालिक, ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। लास्ट वाला इंटरनल ऑडिट और एक छोटा सा पोर्शन आईटी कंट्रोल, वो अपन कल करेंगे मालिक। देखिए, रोज का अपने टाइम लिमिट दिया है, एक घंटे का दिया हुआ है, एक घंटा मैं रोज का एक घंटे का सेशन ले रहा हूं, एक घंटा सवा घंटा। जिस दिन मेरे को लगा भाई यार बड़ा लेना है, बट चैप्टर कवर करना है पूरा का पूरा, तब मैं आपको बता दूंगा मालिक। ये मैंने ऑलरेडी कम्युनिकेट कर दिया है, वैसे ही अपन चलेंगे चैप्टर 4th। मतलब आज इंटरनल कंट्रोल की कहानी को खत्म कर देंगे मालिक, तोड़ मालिक। तो बढ़िया से सबसे पहले, बिफोर चालू करने के पहले सर, क्या करने का? वीडियो को लाइक करने का मालिक। ओके, वीडियो को लाइक करने का मालिक, वीडियो को लाइक करने का, पहले वीडियो को लाइक करिए। ओके, इस वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए मालिक। तो मां कसम तोड़ का रिवीजन चल रहा है मालिक, तो तोड़ माहौल करते हैं मालिक। ओके, तो एक बार मैं आपको बता दूं सर। ओके, मैं वापस बोल रहा हूं, बिफोर कुछ करने हैं सर, स्पेक्स बहुत सही लगा, थैंक्स अ लॉट मैन। तोड़ कार्तिक मैन, कार्तिक भाई साहब, बस भाई तेरे ऊपर टिकी हुई है दुनिया, तोड़ मालिक। तो बढ़िया मालिक, तो भाई साहब। ओके, अपन कॉन्सेप्टली एक तोड़ को काम कॉन्सेप्ट तोड़ करते हैं मालिक। सबसे पहला पॉइंट, ओके, आप ये याद रखिए, पहले वीडियो को लाइक करिए। ओके, पहले वापस बोल रहा हूं, वीडियो को लाइक करिए मालिक। वीडियो को लाइक करके चाहिए मत, मतलब वीडियो को लाइक किए बिना आगे जाइए मत मालिक, वीडियो को लाइक करिए। ओके, और बढ़ते हैं मालिक चैप्टर 4th की तरफ। सर, चैप्टर 4th में अगर आपको याद होगा, कल मैंने आपको बताया सर, दो कॉन्सेप्ट कवर किए थे कल। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कर दिया मालिक, ओके, दैट इज कॉल्ड ऑडिट रिस्क। मेरे ख्याल से आपने वापस देखा होगा, ऑडिट रिस्क में कोई टेंशन नहीं आना चाहिए। दूसरा अपन ने ऑलरेडी क्लोज, That is called risk assessment, वो भी concept आपका तोड़ हो जाना चाहिए। आज का एजेंडा अपना क्या करना है सर? आज का एजेंडा है इंटरनल कंट्रोल के ऊपर चर्चा करनी, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। तो इंटरनल कंट्रोल का अपन कंपोनेंट्स तक की सीमित कांसेप्ट अपन करेंगे, एक 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 करेंगे मालिक, तोड़ काम करेंगे। घंटे भर का लेक्चर अपना है रोज का रोज। ओके, घंटे भर में यह कॉन्सेप्ट को कवर कर लेते हैं, इंटरनल कंट्रोल की कहानी। तो सर, ईओटीआरबी बुक में पेज नंबर 24 पे आ जाते हैं, जहां पर इंटरनल कंट्रोल लिखा हुआ है। ओके, तो सारी आत्मा सब लोग आ गई है मालिक। ओके, तोड़ मालिक। तो बढ़िया से सबसे पहले चालू कर देते हैं चर्चा का विषय। एक मिनट दीजिए, इसको सब सेटिंग कर लेता मालिक। तो भाई साहब, सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल की बात करें, तो सर पहला क्वेश्चन अपने लिए जो आता है वो आता है इंटरनल कंट्रोल का। इंटरनल कंट्रोल में सर सबसे पहला पॉइंट आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल की मीनिंग, उसके ऑब्जेक्ट, मतलब उसके टास्क में छुपाया। आगे और एक पॉइंट आएगा, तब मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन अपने ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल के मकसद क्या होते हैं। तो सर, चार मकसद आपको याद रखने मालिक। जो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट की है वो ऑथराइज होनी चाहिए, पहला मकसद। जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुए है वो बरोबर अमाउंट पर रिकॉर्ड होनी चाहिए, बरोबर डेट पर रिकॉर्ड होनी चाहिए, बरोबर पीरियड में
पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए, ये दूसरा मकसद। तीसरा ओके एसेट जो है वो सेफ गार्डेड होने चाहिए मालिक, और अगर बाई चांस जो एसेट रिकॉर्ड हुए थे वो अमाउंट में और एसेट रिकॉर्ड कुछ और अमाउंट पे करना है और वो जो डिफरेंस आएगा उसको बरोबर वे से हैंडल करना जरूरी है। दिस इज नथिंग बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल। हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल आर देयर चार। सबसे पहले ट्रांजेक्शन आर एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली ऑथराइज वे में। सेकंड ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन करेक्ट अमाउंट करेक्ट पीरियड एंड अदर एलिमेंट। नेक्स्ट पॉइंट एसेट्स आर सेफ गार्डेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर एसेट जो रिकॉर्ड हुए थे और जो एक्चुअली रिकॉर्ड होने चाहिए अगर उसमें अमाउंट में डिफरेंस आया वो डिफरेंस को आपको कैसे डील कर रहा है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। यानी सर हम व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, दो ऑब्जेक्टिव में याद रखिए, दो पॉइंट में याद रखिए, एक है ट्रांजैक्शन और एक है एसेट्स। और ट्रांजैक्शन के दो आंसर है ओके और एसेट्स के दो आंसर है। ट्रांजैक्शन के दो आंसर क्या है सर? सबसे पहला ट्रांजैक्शन ऑथराइज होने चाहिए एग्जीक्यूटेड, और दूसरा पॉइंट रिकॉर्डिंग बराबर होनी चाहिए ट्रांजैक्शन की। और एसेट केस में एसेट की सेफगार्डिंग होनी चाहिए और एसेट का अगर कोई डिफरेंस आ रहा है अमाउंट के अंदर उसको बराबर डील होना चाहिए। इज दैट पॉइंट क्लियर मालिक? तो पहला क्वेश्चन आ गया सर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, पांच चार आंसर है, कहीं पर भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है मालिक। ओके नाउ पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिंग ऑन द पॉइंट। ओके सर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल के साथ जो एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल है क्या वो इंटरनल कंट्रोल को समझना है? सर कल आपको आंसर है कि याद होगा मालिक मैंने जो करवाया था, क्या सर केओसी करना चाहिए? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केओसी? नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। क्या नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस करना चाहिए? आंसर इज यस। नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस में कितनी चीजें करनी चाहिए? पांच। ओके पांच याद होगा, मैंने छह में डिवाइड की थी, मैंने आपको बोला था पांच बोलो या छह बोलो डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो। याद आया कि नहीं मालिक? सर कौन सी थी? एक्सटर्नल, इंटरनल, पास्ट, फ्यूचर, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। याद आया मालिक? ओके इसके अंदर जब मैंने बताया उसके अंदर अपन ने और एक डिस्कशन किया था सर केओसी करने का फायदा क्या होता है, तो अपन ने ये आंसर लिखा था अगर आपको याद है तो केओसी करने का फायदा क्या होता है? सर केओसी करने का फायदा होता है आरएम में मालूम पड़ता है, केओसी करने का फायदा होता है मैटरिटी मालूम पड़ती है, केओसी करने का मालूम पड़ता है अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, उसके बाद स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन, सिग्निफिकेंट रिस्क, छह पॉइंट थे। ओके मतलब वो छह पॉइंट लिखने नहीं है लेकिन छह पॉइंट के क्राइटेरिया। उसके अलावा हम लोग एक्सपेक्टेशन डेवलप करने में, एनालिटिकल प्रोसीजर के इसमें एक्सपेक्टेशन डेवलपमेंट करने में मदद मिलती है, और उसके अलावा सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट इवेंट्स अपने को मालूम पड़ता है। तो सर क्या केओसी को अंडरस्टैंड करने से अपने को ये मिलता है? आंसर इज यस। तो अब सवाल और एक आता है मालिक कंफ्यूजन नहीं करना, हम बोल रहे हैं सर ओके ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिलेवेंट टू ऑडिट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल। प्लीज अंडरस्टैंड करिए, ये दो दो कॉन्सेप्ट को मिक्स मत करना मालिक। ओके याद रखना, ओके प्लीज डू अंडरस्टैंड, ओके मेक श्योर। ओके सर इज इट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल फॉर ए कंपनी एज ए होल? ये ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल फॉर ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लॉजिक आता है मालिक। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो अपन एक रिलेवेंट कॉन्सेप्ट में लेटर ऑन पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए पॉइंट याद है कि सर ये इंटरनल कंट्रोल को समझने का फायदा क्या होता है। तो याद रखना तीन चीजें, सबसे पहले अपने को मालूम पड़ता है कि पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट क्या हो सकते हैं, दूसरा आरएमएम क्या हो सकता है, तीसरा पॉइंट नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, जो आपके आगे के प्रोसीजर्स होंगे उसके नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट मालूम पड़ेंगे। मेरे को बताओ जिधर कंट्रोल बहुत अच्छा है ओके जिधर प्रोसीजर ज्यादा करोगे या कम करोगे? कम करोगे। जिधर कंट्रोल बकवास है उधर प्रोसीजर कम करेंगे ओके, जिधर बकवास है उधर प्रोसीजर ज्यादा करेंगे। ये अपने को समझ में आता है, यानी भाई मेरे को बताओ इंटरनल कंट्रोल समझने का फायदा क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल समझने के तीन फायदे होते हैं। सबसे पहला पॉइंट अपना फायदा होता है पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट, यानी मिसस्टेटमेंट होने की संभावना, पोटेंशियल कौन से मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं वो पता करेंगे, दूसरा पॉइंट आरएमएम पता करेंगे, और तीसरा पॉइंट नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट पता करेंगे ओके आगे के प्रोसीजर के, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के। मालिक ओके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके ये है क्वेश्चन बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, गड़बड़ मत करना ओके। आपने कल जो क्वेश्चन किया था बेनिफिट्स ऑफ केओसी था, ये है बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओके। आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो अपने को मानना पड़ेगा बेनिफिट्स ऑफ ओके, ये तो अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल है, और एक क्वेश्चन आएगा बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, क्या इंटरनल कंट्रोल का इवैल्यूएशन होना चाहिए? आंसर इज यस। उसको इवैल्यूएट करने के फायदे क्या होंगे? सर ये क्या है इंटरनल कंट्रोल को समझने के फायदे, आपने इंटरनल कंट्रोल समझ लिया उसके फायदे क्या हुए ओके, इवैल्यूएशन नहीं किया ओके, इवैल्यूएशन करने के बाद आपको समझेगा उसके आगे के फायदे क्या होंगे। इवैल्यूएशन के फायदे बहुत ज्यादा होते हैं ओके, अंडरस्टैंडिंग के फायदे थोड़े से कम होते हैं, बट नेवरतheless ये तीन पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा ओके। सर अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो यहां पर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सर थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल बता दिया, अब यहां पर आता है पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, और ये पर्पस ही नहीं बट इसका डेफिनेशन है। यानी आपको मैंने दो मिनट पहले बोला था मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या होगा, सर जो इसका ये इसका पर्पस है ना यही इसकी मीनिंग की निशानी है। पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज नथिंग बट मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, और टू बी वेरी प्रिसाइज एक क्वेश्चन आया ओके, एक क्वेश्चन आया इसका कॉन्टेक्स्ट आता है मालिक, एक क्वेश्चन आया इसका कंटेक्स्ट आता है कि भाई इंटरनल कंट्रोल अगर ऑर्गेनाइजेशन वाइड देखे तो ये पर्पस का कॉन्सेप्ट आता है ओके, और इंटरनल कंट्रोल फॉर जो रिलेवेंट टू ऑडिट देखे वो अपन ने ऑब्जेक्टिव जो पढ़े थे वो कॉन्सेप्ट था
ओके, सो इंटरनल ऑडिट के कॉन्सेप्ट में एक क्वेश्चन गुरु भाई का वापस आता है कि सर इवैल्यूएट मींस टीओसी क्या है? आंसर इज नो. इवैल्यूएशन अलग होता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस अलग होता है. इवैल्यूएशन करना मतलब ओके थोड़ा सा डिटेल अंडरस्टैंडिंग करना, यानी अपन ने समझ लिया ओके ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन कर. देखो इवैल्यूएशन और टीओसी में एक माइन्यूट फर्क रहेगा. इवैल्यूएशन करते करते टीओसी करोगे आप, इवैल्यूएशन करते करते टीओसी करोगे. ओके एक बेसिक एग्जांपल बताओ सर इवैल्यूएशन हम लोग कैसे करेंगे और टीओसी कैसे करेंगे. ओके शायद जिसको जानकारी है गुड इनफ, जिसको जानकारी नहीं है उसको ध्यान रखना चाहिए. ओके जिसको ऑलरेडी पता है चैप्टर 3A में, और मैं ये बहुत अच्छे से बताता हूं, जब भी हम टीओसी करते हैं हम क्या प्रोसीजर यूज करते हैं, किसी को याद है क्या? हम जब टीओसी करते हैं हम क्या प्रोसीजर यूज करते हैं, किसी को याद है क्या? हम टीओसी करते वक्त हम प्रोसीजर यूज करते हैं सर इंक्वायरी करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, रीपरफॉर्मेंस करते हैं, ये चार करते हैं, ये चार के कोई कॉम्बिनेशन करते हैं जब हम टीओसी करते हैं मालिक. लेकिन जब हम इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल करते हैं तो इवैल्यूएशन करते वक्त हम इंक्वायरी इंस्पेक्शन ये नहीं करते. इवैल्यूएशन करते वक्त हम क्या करते हैं? इवैल्यूएशन करते वक्त हमारा मेन मकसद होता है कि भाई इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करना है, जिसमें हम फ्लो चार्ट यूज करते हैं, नैरेटिव रिकॉर्ड यूज करते हैं, जिससे हम इंटरनल कंट्रोल समझते और अंडरस्टैंड करते कि कैसे होता होगा. तो ये कॉन्सेप्ट है, याद रखना पड़ेगा आपको कॉन्टेक्चुअली. व्हेन वी डिस्कस अबाउट टीओसी हमारे प्रोसीजर अलग है, जब इवैल्यूएशन की बात करें उसके मेथड्स अलग है. तो इवैल्यूएशन और टीओसी ओके एक नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा सर दोनों एक ही, ऐसा नहीं है. इवैल्यूएशन करते करते अपने को टीओसी हो जाता है इस तरह से. तो अगर टीओसी बोलेंगे तो टीओसी बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, इवैल्यूएशन एक छोटा सा एस्पेक्ट है उसके अंदर से. आई डू थिंक ओके मेरे ख्याल से ये अभी पॉइंट क्लियर है कि okay, आपको इवैल्यूएशन और टीओसी में फर्क नहीं, मतलब मिक्स मैच ना हो. कमिंग बैक टू द पॉइंट, पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल. सर हाउ मेनी पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल आर देयर? चार. सर सबसे पहला पॉइंट रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स. चार पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल है और ये चारों पॉइंट पे आपको ध्यान रखना होगा मालिक. ये चार पर्पस इज नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल लिखने के लिए भी काम आ जाएगा. अगर मैं आपको बोलूं इंटरनल कंट्रोल बताइए, इंटरनल कंट्रोल मतलब मेरे ऐसे कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जिसकी वजह से मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल होंगे, मेरे ऑपरेशन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होंगे, ओके मेरा कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन होगा और मेरे एसेट सेफगार्डेड होंगे. अगर आप देखोगे तो मैंने ये चार ही वर्ड वापस रिपीट मारे है ओके okay, बस ये चार वर्ड तो आपको याद रखना होगा. बट कंफ्यूजन नहीं करना मालिक, पर्पस क्वेश्चन आया और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो डिफरेंस क्या है? पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑडिट के रिलेवेंट वाले कंट्रोल के बारे में होता है. तो जब ऑब्जेक्टिव आता है तो आपको चार लिखने हैं, पर्पस आता है तो भी चार लिखने हैं, लेकिन पर्पस जब आता है तो आपको चार क्या लिखने हैं ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है, और ऑब्जेक्टिव आता है तो आपको मैंने ऊपर वाले इसमें बताया था ट्रांजेक्शन मैंने ऊपर वाले केस में आपको बताया था ट्रांजेक्शन और एसेट इस कंटेक्स में आपको डिस्कस किया था. इज दैट पॉइंट क्लियर मालिक? आत्मा क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये झेप रहा है कि नहीं झेप रहा है? मेरे ख्याल से सबको झेपा है मालिक, किसी को भी इस पॉइंट में दिक्कत नहीं है ना मालिक. ओके ये कंटेक्स्ट आपको ध्यान अच्छे से रखना होगा, ये कंटेक्स्ट को ध्यान अच्छे से रखना होगा. ये होने के बाद ओके हम जाते हैं लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल. सर ओके आपने चैप्टर वन अगर देखा होगा तो चैप्टर वन में आपको इला मिला होगा इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट. उसी तरह कुछ लिमिटेशन होते हैं इंटरनल कंट्रोल के. सर वो कौन से लिमिटेशन होते हैं इंटरनल कंट्रोल के? वो लिमिटेशन अपन डिस्कस कर रहे हैं. ओके इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल या लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? ओके सर कंट्रोल मतलब क्या है? यानी अगर हमने कंट्रोल डाले है ओके कंट्रोल डाले अच्छा मेरे को बताओ कंट्रोल से आपको कौन सा एश्योरेंस मिलेगा? कंट्रोल से देखो ऑडिट की डिस्कशन नहीं कर रहा हूं. कंट्रोल डालने वाला कौन है? कल कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने, मैनेजमेंट है. कंट्रोल डालने वाला ऑडिटर नहीं है, कंट्रोल डालने वाला मैनेजमेंट है. अब मेरे को बताओ मैनेजमेंट को कंट्रोल डालने के बाद कॉन्फिडेंस बहुत 100% आएगा या रीजनेबल एश्योरेंस आएगा? रीजनेबल एश्योरेंस. मेरे को बताइए अगर घर को ताला लगाया क्या ताला टूटेगा ही नहीं? देखो कितना भी बेहतर ताला लगाया है ताला टूट सकता है लेकिन चांसेस कम होंगे. तो उसी तरह से कितने भी अच्छे कंट्रोल लगा लिए ओके फेलियर होने के चांसेस है लेकिन चांसेस कम हो सकते हैं. ओके तो इसीलिए कंट्रोल के लिमिटेशंस होते ही है. कितना भी कर लीजिए कंट्रोल कितने भी बेहतर आ लीजिए देयर आर लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल जिसकी वजह से कंट्रोल फेल हो सकता है. सर कौन से लिमिटेशन है? 6 लिमिटेशन आपके सिलेबस के दिए हुए हैं, 6 लिमिटेशन आपको तोड़ रखते हैं. सर कौन से? सर सबसे पहला पॉइंट इंटरनल कंट्रोल कैन प्रोवाइड ओनली रीजनेबल एश्योरेंस यानी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता. एवरीबॉडी क्लियर? तो पहला पॉइंट ये रीजनेबल एश्योरेंस देता है आपको ध्यान रखना होगा. सेकंड पॉइंट ह्यूमन जजमेंट इज देयर इन डिसीजन मेकिंग. अब मेरे को बताइए ओके कहीं पर भी याद रखना है सेकंड पॉइंट और पांचवा पॉइंट ये मिक्स मैच होता है बहुत बार स्टूडेंट का जजमेंट बाय मैनेजमेंट. अब मेरे को बताओ दोनों में डिफरेंस में समझा देता हूं तो सेकंड और फिफ्थ में पहले डिस्कस करता हूं. ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग? मेरे को बताओ आज के डेट में कुछ भी डिसीजन लेना है तो कहीं ना कहीं ह्यूमन जजमेंट आता है. आंसर इज यस. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. मेरे को बताओ जजमेंट कौन लेगा? ओके ह्यूमन लेगा. ओके मैं बोलूंगा 5% लेना है, तुम बोलोगे 10% लेना है, ओके कोई बोलेगा 15% लेना है. अब मेरे को बताओ कितना भी कंट्रोल बेहतर रहा लेकिन जिधर जजमेंट इन्वॉल्व है डोंट यू थिंक प्रॉब्लम आने वाली है? दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग. लेकिन और एक कॉन्सेप्ट है जजमेंट बाय मैनेजमेंट. सर जजमेंट बाय मैनेजमेंट क्या बोला हुआ है? शायद आपको कल का एग्जांपल याद आया, कल का लेक्चर बेस है मालिक याद रखना. ओके आपको
कंट्रोल का एग्जांपल याद है, क्लासरूम मैंने बताया था, क्लासरूम में दरवाजा है और खिड़की है, मेरे को बताओ कंट्रोल किधर डाले, दरवाजा, लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा? ओके, सपोज दो दरवाजे, दो दरवाजे में से कौन से दरवाजे में कंट्रोल डालना है, कौन डिसाइड करेगा? मैनेजमेंट। यानी कंट्रोल डालते वक्त जजमेंट किसने लगाया है? मैनेजमेंट ने। क्या वो मैनेजमेंट के जजमेंट में गलती हो सकती है? आंसर इज यस। यानी कहीं ना कहीं आपको दरवाजे पे कंट्रोल डालना था लेकिन साला खिड़की पे डाल दिया आपने कंट्रोल, ये गड़बड़ हो गई आपकी। ये कॉन्टेक्स्ट आता है जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट। आत्मा क्लियर? तो दोनों में मेरे ख्याल से डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तीसरा पॉइंट और एक आता है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल। यानी जिस पर्पस के लिए कंट्रोल बना है वो पर्पस ही सामने वाला समझता नहीं है, और इसकी वजह से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मेरे ख्याल से। ओके, मेरे ख्याल से इसकी वजह से जो पॉइंट आता है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्पस, इसका प्रॉब्लम क्या आता है, उसकी वजह से कंट्रोल को सीरियसली कोई लेता नहीं, कंट्रोल को सीरियसली कोई फॉलो नहीं करता, एंड दिस इज द वेयर कंट्रोल्स आर फेल्ड। आई डू थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। एग्जांपल, सपोज मैंने मेकर और चेकर रखा होगा। ओके, यानी मैंने बोला ए काम करेगा और बी उसको चेक करेगा, बी को उसकी सीरियसनेस ही नहीं पता, उसको ऑब्जेक्ट ही नहीं पता, इसलिए बी चेक नहीं करता है। ओके, अगर उसको पर्पस ही नहीं पता उस कंट्रोल का, तो शायद वो सीरियस नहीं होगा कंट्रोल को लेकर, और शायद सीरियस कंट्रोल अच्छे से परफॉर्म नहीं किया जाएगा। लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल, यानी आपके हिसाब से कंट्रोल है, आपके हिसाब से कंट्रोल है लेकिन कंट्रोल वैसे काम नहीं कर रहा है। ओके, वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए थे, ये कॉन्टेक्स्ट आता है लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल। आत्मा क्लियर? कोलिजन अमंग द पीपल, आपने ए को मेकर रखा है, बी को चेकर रखा हुआ है, और आपको लग रहा है कि दोनों ओके बराबर काम कर रहे हैं और फ्रॉड होने नहीं देंगे, लेकिन साला ए और बी की जुगलबंदी निकल गई और फ्रॉड कर लिया। यानी आपके हिसाब से ऑन पेपर आपको एज ए ऑडिटर लग रहा है कि भाई ए और बी अलग अलग किया है, कोई फ्रॉड होने की संभावना नहीं है मालिक, लेकिन ए और बी आपस में मिल चुके हैं और इसकी वजह से तोड़ फ्रॉड कर रहे हैं मालिक। कोलिजन के होने के चांसेस है, लिमिटेशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन इन केस ऑफ स्मॉल एंटिटीज। मेरे ख्याल से ओके देखिए, ओके जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल उतने अच्छा सोफिस्टिकेटेड होंगे, जितना छोटा ऑर्गेनाइजेशन ओके कंट्रोल सोफिस्टिकेटेड होने की संभावना कम होगी। जैसे एग्जांपल, ओके स्मॉल एंटिटी में एम्प्लॉइज के नंबर कम होते हैं, अब जितने एम्प्लॉइज के नंबर कम होते हैं तो भाई मेरे को बताओ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज में, ओके थोड़ा सा टॉट पर लगाइए, बड़ी एंटिटी है और छोटी एंटिटी है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज किधर होगा? बड़ी एंटिटी में, छोटी एंटिटी में होना मुश्किल है। ओके, यानी छोटी एंटिटी में एक ही बंदा है जो सारे काम कर रहा होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है। दिस इज नथिंग बट ए लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। आई डू थिंक कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर एट योर एंड। तो हमने लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल अध्याय मालिक 6 पॉइंट, एकदम इजी है। सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल हमें रीजनेबल एश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट नहीं देता, इसलिए उसका लिमिटेशन है। सेकंड सिनेरियो, याद रखिए जजमेंट, ओके यहां पर ह्यूमन जजमेंट होता है डिसीजन मेकिंग में। तीसरा सिनेरियो, ओके यहां पर जो पर्पस है वो पर्पस ही सबको नहीं समझ में आता कि कंट्रोल का पर्पस क्या है। चौथा सिनेरियो, कोलिजन होने की संभावना है। पांचवा सिनेरियो, ओके मैनेजमेंट जजमेंट लगाता है कंट्रोल डालने में। एंड छठा सिनेरियो, स्मॉल एंटिटीज में कंट्रोल डालने की संभावना मुश्किल है। लेकिन इस सीक्वेंस को मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा और आपके लिए मैं बोलूंगा ये 6 पॉइंट को थोड़ा सा सीक्वेंशियली चेंज करिए। कैसे? सबसे पहले क्या याद रखिए, रीजनेबल एश्योरेंस। उसके बाद दो पॉइंट लगाइए, जजमेंट जजमेंट। कौन से दो पॉइंट है जजमेंट में? एक है ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग और एक है जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट, याद रहेगा मालिक। इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट लगाइए जहां पर अपन ने बात किया था, जजमेंट है। तो जजमेंट की वजह से क्या समझ में, मतलब सामने लोगों को नहीं समझ में आता क्या हो रहा है, पर्पस नहीं समझ में आ रहा है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्पस। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, ओके यहां पर कोल्यूजन होने की संभावना है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज कोल्यूजन के बाद, ये पांच तो मेन है और लास्ट कॉन्सेप्ट है स्मॉल एंटिटी है जहां पर कंट्रोल डालना मुश्किल है। भारत माता की जय। मेरे ख्याल से आंसर क्लियर है। ओके, तो मेरे को बताओ अभी तक इंटरनल कंट्रोल के कितने क्वेश्चन किए मैंने? अभी तक इंटरनल कंट्रोल के आपके सामने मैंने 4 क्वेश्चन को प्रेजेंट किया। सर कौन से 4 क्वेश्चन को प्रेजेंट किया इंटरनल कंट्रोल के? मैं आपको बता दूं इंटरनल कंट्रोल के 4 क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले प्रेजेंट किया आपके पास ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल। दूसरा मैंने प्रेजेंट किया ओके बेनिफिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल, बेनिफिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल, ये मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, बेनिफिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। एंड चौथा क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट किया दैट इज कॉल्ड इनहेरेंट लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ओके एवरीबॉडी क्लियर? क्या ये 4 क्वेश्चन सबके लिए क्लियर है मालिक? मेरे ख्याल से ये 4 क्वेश्चन में किसी को भी दिक्कत नहीं, यानी ये 4 क्वेश्चन पहला वाला बेस है जो अपन का तोड़ तैयार हो जाना चाहिए। तो 4 क्वेश्चन में बस याद रखना, ऑब्जेक्टिव की जब बात करें और पर्पस की बात करें तो पर्पस और ऑब्जेक्टिव ये कॉन्टेक्स्ट अपन ने डिस्कस किया है। ओके, अब अपन घुस जाएंगे रिलेवेंस टू ऑडिट में। ओके, अभी ऑडिट के रिलेवेंस से क्या क्या कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बढ़ते हैं आगे मालिक, कोई डाउट रहा तो आप बताइए, मैं उसको रिस्पॉन्ड करता हूं मालिक। ओके, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इधर तक। ओके, सारी आत्मा मेरे ख्याल से बराबर चल रही है, कोई भी दिक्कत आई तो मतलब बता दीजिए, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली अपन रिस्पॉन्ड करेंगे। ओके, ये होने के बाद अपन बढ़ते हैं आगे विद रिस्पेक्ट टू अगला सवाल। ओके, जहां पर कंट्रोल रिलेवेंट टू ऑडिट आते हैं। अब सवाल क्या है और क्वेश्चन क्या है, कॉन्टेक्स्ट को आप अच्छे से समझिए। ये क्वेश्चन का बहुत 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 तोड़ समझना जरूरी है मालिक, बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। ये क्वेश्चन बहुत बार कंफ्यूजिंग होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम ये क्वेश्चन में होगा, कंट्रोल रिलेवेंट टू ऑडिट। सर क्या ऐसा होता है कंट्रोल, बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं ओके ऑर्गेनाइजेशन में? आंसर इज यस। क्या सारे कंट्रोल्स रिलेवेंट टू ऑडिट होते हैं? आंसर इज नो। ओके, ऐसे कुछ कंट्रोल्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑडिटर के लिए काम का ही नहीं है, क्योंकि मेरे को बताओ ऑडिटर किसका ऑडिटर है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर है। तो तेरा स्कोप कितना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बाहर नहीं जाना चाहिए तू। ओके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड ऑडिटर है तू, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बाहर मत जा। ओके, तूने ये ध्यान में रखना चाहिए तू सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के हिसाब से रिलेवेंट कंट्रोल जो रहेंगे वही तू देख।
अब सवाल होता है सर क्या ऐसा मेरे को कैसे समझेगा द कंट्रोल विच आर रिलेवेंट टू ऑडिट कंट्रोल विच आर नॉट रिलेवेंट टू ऑडिट। ऑडिटर को जजमेंट लगाना पड़ेगा और ये जजमेंट लगाने के लिए उसको कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ेंगे और वो फैक्टर्स की लिस्ट ये है। ओके तो बिफोर गोइंग ऑन दिस फैक्टर्स की लिस्ट मैं आपको समझा दूं ये क्वेश्चन क्या जा रहा है वो समझिए। ओके अब टेक्निकली ये सुनिए। ओके मेरे को बताइए एक एयरलाइन अपन एक एग्जांपल करते हैं। ओके अपन इंडिगो एयरलाइंस का ऑडिटर है ओके जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हैं। इंडिगो एयरलाइन के पास एक ऐसा कंट्रोल है जिससे वो फ्लाइट आती कब है जाती कब है फ्लाइट का ऑपरेशंस कैसे होता है। मतलब मैंने वो फ्लाइट उड़ती है बरोबर टाइम पे लैंड होनी चाहिए बरोबर उड़नी चाहिए तो लैंड होते वक्त उड़ते वक्त ऐसा मिसमैच नहीं होना चाहिए इसके कंट्रोल्स है। क्या अपना स्टैट्यूटरी ऑडिटर को ये कंट्रोल्स मैटर करते हैं? आंसर इज नो क्योंकि ये ऑपरेशनल कंट्रोल्स है। तो कंट्रोल रिलेवेंट टू ऑडिट आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा जो आपको कॉन्सेप्ट है। ओके कंट्रोल रिलेवेंट टू ऑडिट आपको वो ध्यान में रखने पड़ेंगे उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा कंट्रोल ऑडिट। और देखो कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे होंगे लेकिन कंट्रोल रिलेवेंट टू ऑडिट आपके कम रहेंगे आपने उसको ढूंढने चाहिए। अब सवाल होता है सर ये ऑडिटर कैसे ढूंढेगा कि कौन से कंट्रोल रिलेवेंट टू ऑडिट है कौन से कंट्रोल रिलेवेंट टू ऑडिट नहीं है। ओके तो इसके ढूंढने के लिए अपने स्टैंडर्ड 315 ने इसमें असिस्टेंस दिया हुआ है। सर क्या असिस्टेंस दिया है? उन्होंने फैक्टर्स की लिस्ट दी है। तो क्वेश्चन क्या है? फैक्टर्स रिलेवेंट टू द ऑडिटर्स जजमेंट ओके अबाउट वेदर द कंट्रोल इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन विद अदर इज रिलेवेंट टू ऑडिट। मेरा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आया क्या सबको? मैं कुछ फैक्टर्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जिससे मुझे समझेगा। एक कंट्रोल लीजिए आप, ये कंट्रोल ऑडिटर के लिए रिलेवेंट है या ऑडिटर के लिए रिलेवेंट नहीं है वो चेक करना है, उसके लिए ये फैक्टर्स की लिस्ट है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ रहा है फैक्टर्स की लिस्ट को। ओके तो फैक्टर्स की लिस्ट आपको समझ में आ रही है। जो भी आगे बीच में जुड़ रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक करते जाइए और उसके बाद आप बाहर जाइए मालिक। ओके देखिए वीडियो लाइक करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि आपको मालूम है अपन तोड़ काम कर रहे हैं मालिक। ओके तो बढ़िया से वीडियो को लाइक करते जाइए और आगे जाइए। अभी तक लाइक ओके उतने ही पहुंचे जितने कॉन्करेंट व्यूअर्स है मालिक। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आगे जाइए जो जो देख के जा रहा है जाइए मालिक बाहर। तो कोई टेंशन नहीं है बाद में देख लेना वीडियो बाद में देखा जा सकता है लेकिन लाइक तो बाद में नहीं किया जा सकता लाइक अभी किया जा सकता है। तो मेरे को बताइए सबसे पहला क्वेश्चन को तोड़ करते वापस आते हैं। Okay, वापस आने के लिए मालिक सबसे पहले क्या देखेंगे? मटर्निटी। ओके मटर्निटी मतलब क्या? क्या ये कंट्रोल ओके जिस पर्पस के लिए लगाया गया है क्या वो मैटर मेरे लिए रिलेवेंट है? ओके अच्छा मेरे को बताओ कितना आइटम है अपने पास? 300 में से वो एक आइटम है, वो आइटम क्या मेरे लिए मटेरियल है? अगर मटेरियल है तो उसके जो भी कंट्रोल होंगे वो रिलेवेंट है, बात खत्म। गायब थे लेने मटेरियलिटी यहां पर अमाउंट के हिसाब से नहीं देखी जा रही है, मटेरियल उस आइटम के हिसाब से देखी जा रही है। आई डोंट थिंक यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। वो मटेरियलिटी, वो आइटम मटेरियल है क्या? मटेरियल है तो भाई उस कंट्रोल को कंसीडर करना है, मटेरियल नहीं तो कंसीडर न मत करिए। दूसरा सिनेरियो सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटेड रिस्क, यानी हो सकता है वो कंट्रोल बरोबर मतलब मेरे लिए रिलेवेंट ना हो लेकिन उसके साथ कोई रिलेटेड रिस्क हो सकता है जो मेरे लिए रिलेवेंट हो। ओके तो आपको उस कंट्रोल को भी कंसीडर करना पड़ सकता है। ओके यानी उसकी वजह से मैं वापस बोल रहा हूं आप यहां पर रिलेवेंट में ओके प्लीज डू अंडरस्टैंड। ओके आप है ना यहां पर बिजनेस नहीं कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हो, उसमें कुछ एरर होने की संभावना है क्या? उस कंट्रोल से आपको वो पता करना है। तो सेकंड पॉइंट ये लोग बोलते हैं क्या सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटेड रिस्क, ओके क्या उसकी वजह से कोई रिलेटेड रिस्क का सिग्निफिकेंस हो सकता है क्या? साइज ऑफ एंटिटी, मेरे को बताओ जितना छोटा ऑर्गेनाइजेशन होगा कंट्रोल रिलेवेंट टू ऑडिट सबके सब होंगे, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा कंट्रोल रिलेवेंट टू ऑडिट कम होते जाएंगे ओके कंट्रोल ज्यादा होते जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना होगा मालिक। तीसरा सिनेरियो ओके। चौथा सिनेरियो नेचर ऑफ एंटिटीज बिजनेस, ओके क्या ये मैटर करता है? आंसर इज यस। जो बिजनेस है एंटिटी का उसके नेचर के ऊपर भी कंट्रोल रिलेवेंट टू ऑडिट कि नहीं ये समझ में आएगा। ओके नेचर ऑफ एंटिटी बिजनेस, ओके क्या नेचर में डील कर रहे हो आप? ओके ये होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटीज ऑपरेशन। जितना ज्यादा एंटिटी का ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स होगा उतने कंट्रोल रिलेवेंट टू ऑडिट कम होते जाएंगे। ओके कम होते जाएंगे मतलब कंट्रोल ज्यादा होंगे क्योंकि जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल तो होंगे ना लेकिन रिलेवेंट टू ऑडिट कम होंगे। लेकिन जितना कॉम्प्लेक्सिटी कम होगा सारे के सारे कंट्रोल रिलेवेंट टू ऑडिट होगा। आई डोंट थिंक यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट। ओके ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। ओके ये होने के बाद लॉ एंड रेगुलेशन क्या बोलता है? यानी अगर लॉ रेगुलेशन बोलता है ये कंट्रोल लेने का तो लेने का, भाई ने बोला लेने का तो लेने का, इज दैट पॉइंट क्लियर? भाई ने बोला तो लेने का तो लेने का। ओके द सर्कमस्टेंसेस एंड एप्लीकेबल कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सीओआईसी, कल याद है मैंने बताया था सीओआईसी कितने सीओआईसी है? 5। कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, मॉनिटरिंग, याद है एक्शन मैंने बताया था कंट्रोल एनवायरनमेंट ओके रिस्क असेसमेंट कंट्रोल एक्टिविटीज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग। ये आप इसमें से देखिए कौन सी चीजें सर्कमस्टेंसेस एप्लीकेबल है और इसके अलावा ओके आपके सिस्टम्स कैसे हैं, सिस्टम्स की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वेदर एंड हाउ अ स्पेसिफिक कंट्रोल इज मैटरिंग यू। अगर कोई स्पेसिफिक कंट्रोल आपके लिए मैटर करता है तो आपको कंसीडर करना चाहिए। तो सर क्या ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने लिए तोड़ इंपॉर्टेंट है? आंसर इज यस। ओके ये सारे फैक्टर्स है मालिक। ओके सर ये फैक्टर्स क्या मदद करेंगे? ये फैक्टर्स मुझे मदद करेंगे ये कंट्रोल मेरे लिए रिलेवेंट टू ऑडिट है कि नहीं है, यानी यहां पर क्या ये कंट्रोल मैंने टेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये कंट्रोल टेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मेरे को फटाफट आंसर बताओ। सबसे पहला क्या देखेंगे? मटेरियलिटी, मटेरियल है कि नहीं है। दूसरा पॉइंट रिस्क देखोगे उस कंट्रोल की वजह से, रिलेटेड रिस्क का वो रिस्क कैसा होगा। तीसरा सिनेरियो आप देखोगे
एंटिटी का साइज, उसके बाद देखोगे एंटिटी का नेचर ऑफ बिजनेस, तीसरा देखोगे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशन। यानी अगर आप देखो, मैं आपको ये क्यों लिख रहा हूं ना, मैं स्क्रीन पे ये लिख रहा हूं इसलिए ताकि आपका वो शॉर्टकट, शॉर्टकट मतलब याद है मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट का शॉर्टकट, फ्लो का शॉर्टकट। तो ये तीन ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड चला गया, आत्मा क्लियर है। इसके बाद भी अगला ऑर्गेनाइजेशन केस में है सर, कौन सा वाला, अब मेरे को बताओ क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉ रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे, आंसर इज यस। तो कौन सा लॉ एंड रेगुलेशन रहेगा ऑर्गेनाइजेशन को एप्लीकेबल वो देखना होगा, ओके। लेकिन ये पॉइंट ओके ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में चला जाता, तो आपके पहले दो पॉइंट पांच आंसर है। पहला पॉइंट मटेरियल देखिए, दूसरा रिलेटेड रिस्क देखिए, तीसरा पॉइंट साइज देखिए, उसके बाद नेचर देखिए, उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी देखिए, साइज नेचर कॉम्प्लेक्सिटी, आत्मा क्लियर है। उसके बाद लॉ रेगुलेशन देखिए, अब लॉ रेगुलेशन हो जाता है, उसके बाद मां कसम सीओआईसी देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, उसके अलावा ओके कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम, सिस्टम के बारे में पता करिए, एंड लास्ट पॉइंट ओके कोई स्पेसिफिक कंट्रोल है क्या। और मैं आपको यह बता दूं स्पेसिफिक कंट्रोल का और एक एलिमेंट, ऐसा हो सकता है कोई कंट्रोल हमने आउटसोर्स किए होंगे, ओके हो सकता है कोई कंट्रोल आउटसोर्सिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कोई काम करती होगी, हम नहीं कर रहे होंगे कंट्रोल, तो वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए कंट्रोल बरोबर परफॉर्म हो रहा है कि नहीं, ये चेक करना है मालिक, ओके। तो ये पॉइंट आप थोड़ा याद रखना मालिक, ओके जिया पॉइंट, ओके। तो थोड़ा एलडीआर के आपके पास एलडीआर की लिस्ट दे दी है, देखो मैं जब रिवीजन करता हूं ना मैं एलडीआर में कभी नहीं रहता हूं, मैं उसका कारण बताता हूं, ओके मैं वो एलडीआर की शीट क्यों नहीं ले रहा हूं, ओके एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं अभी। देखो पढ़ाते वक्त एलडीआर करूंगा ना तो मेरा क्या होगा, मान मैं वो आंसर पे ही ज्यादा एम्फसाइज करूंगा, बाकी पूरा सिलेबस पे एम्फसाइज नहीं करूंगा, जबकि मेरा रिवीजन चल रहा है, ये रिवीजन इज बेसिकली रिवीजन ऑफ कंप्लीट सिलेबस, मतलब चैप्टर और जो भी है, तो इसमें मेरे को इक्वली सबको ट्रीट करना होगा, सब तोड़ है बस ऐसे है। अगर मैंने क्या बोला है, और इवन मैं आपको बोल रहा हूं रिवीजन से अगर आपका अच्छा हो जा रहा है तो एलडीआर में क्यों ज्यादा हेडेक कर रहा है, ओके रिवीजन में अगर नहीं होता अपने को लगता है कि नहीं भाई यार यहाँ पर 19-20 हो सकता है, तो फिर आपके पास एलडीआर की शीट शेयर की हुई है वो आप देख सकते हो, ओके तो तभी रिवीजन आता है, मतलब इवन मैं आपको बता देता हूं, ओके उसका एक टेक्निकल रीजन है क्या फिर मालूम है क्या, और ऐसे मैंने एक्सपीरियंस किए हुए, इसीलिए अपन सब आंसर अपने पास तोड़ एलडीआर है, सब तोड़ याद रखते जाइए, इसीलिए आप देखो रिपीट कर रहा हूं सबको याद रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझा मालिक, तो सर इसका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कैसा आएगा, इसका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ऐसा आएगा, हीरा फेरी लिमिटेड है, हीरा फेरी लिमिटेड ने आपको ऑडिटर अपॉइंट किया हुआ है, ओके हीरा फेरी लिमिटेड क्या कर रही है, हीरा फेरी लिमिटेड कंट्रोल्स डाल रही है, ओके हीरा फेरी लिमिटेड के बाद बहुत सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं, बहुत सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं, आप एज ऑडिटर ये समझते हो कि ये इंटरनल कंट्रोल्स है, ओके इसको ऑपरेशंस के भी है और कुछ ऑडिट के भी है, और कुछ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के भी है, कुछ ऑपरेशंस के भी है। अब आप एज ऑडिटर यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके आउट ऑफ दिस ऑल कंट्रोल्स विच कंट्रोल्स आर रिलेवेंट टू ऑडिट, समझ में कुछ आया, तो इस टाइम पे ये फैक्टर्स लिखने के, तो आपने जजमेंट लगाना है, जजमेंट लगाते हुए फैक्टर्स लगाए जाएंगे, भारत माता की जय। तोड़ समझ में आया, ओके एक बार समझ में आ गया तो फटाफट क्लोज कर दीजिए मालिक, ओके एक बार फटाफट हाँ बोल दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं मालिक, ओके आई डू थिंक यू झेपिंग, ओके ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ओके ये हो जाएगा, ये होने के बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो इग्नोर कर सकते हो आप इस चीज को, ओके यहां पर नेचर पाथवे क्लियर है ना, अपन यहां पर सारा एकदम तोड़ कर लेंगे, ओके आपको एलडीआर की लिस्ट है तो एलडीआर है, आप सब एलडीआर एज्यूम करते जाइए क्लास में, करते एक घंटा अपने को अच्छे से देना है उसमें तोड़ करते जाइए, मैं आपको बता रहा हूं आपका 10-12 घंटे में सब पूरा सिलेबस तोड़ करवा दूंगा, अरे ओके नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये सिर्फ रीड करके छोड़ दिए, ये मैं एटलीस्ट ये बोल सकता हूं मालिक, ओके नेचर एंड अंडरस्टैंडिंग में क्या है, अगर कोई डिजाइन इंप्रॉपर कंट्रोल मतलब कंट्रोल डिजाइन कोई बरोबर नहीं है तो ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बताता है मालिक, ओके सर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्या होती है, एक होती है डेफिशिएंसी एक होती है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, सर ये कहां पर मेरे को समझेगा, ये समझेगा आपको चैप्टर 6 में मैंने आपको क्लियरली समझाया हुआ कि मतलब ये पॉइंट आ जाता है कि डेफिशिएंसी क्या होती है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्या होती है, डेफिशिएंसी मतलब कंट्रोल वीक है, ओके लेकिन अगर वो कंट्रोल वीक है और उसको रेक्टिफाई किया ही नहीं जा रहा है, मैनेजमेंट को बोल के थक गया, मैनेजमेंट साला क्यूट बना कर रहा है, मैनेजमेंट क्यूट बना रहा है हमें, ओके इस केस में हम जाएंगे अभी टीसीडब्ल्यूजी के पास, और जब वो टीसीडब्ल्यूजी के पास जाने की नौबत आएगी तो वो डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मानी जाती है। तो अगर कंट्रोल का डिजाइन ही भंगार है, क्या मैंने बोला, कंट्रोल का डिजाइन ही भंगार है, देखो मेरे को बताओ डिजाइन भंगार है तो टीओसी तो करेंगे नहीं, वैसे हम सब्सटेंटिव प्रोसेस ज्यादा करेंगे, ये तो क्लियर रखिए आप, लेकिन अगर डिजाइन भंगार है तो आपको टीसीडब्ल्यूजी को बताना चाहिए कि तुम्हारा मैनेजमेंट भंगार है, तुम्हारा मैनेजमेंट क्यूट है, जो कंट्रोल बरोबर नहीं डाल रहा है मालिक, ओके जो कंट्रोल बरोबर नहीं डाल रहा है, भारत माता की जय, समझ में आया मालिक, तो इसीलिए एक लाइन याद रखना है, एमसीक्यू के लिए भी काम आ सकता है और कॉन्टेक्स्ट वे भी काम आ सकता है, इंप्रॉपरली डिजाइन कंट्रोल में रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, यानी मेरा क्वेश्चन है अगर मतलब डिजाइन कंट्रोल की बरोबर नहीं है, इंप्रॉपर है, क्या हमको टीसीडब्ल्यूजी को बताना जरूरी है, आंसर इज यस, ये याद रख लीजिए,
है एमसीक्यू के रिलेटेड। ओके, हमको किसको बताना जरूरी है? टीसीडब्ल्यूजी, नोट बना के रख लीजिए, भूलना मत, टीसीडब्ल्यूजी को अपडेट करना पड़ता, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। चैप्टर 6 में ये डिटेल में रहेगा मालिक। इसके बाद है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट डिविडेंड्स। मेरे ख्याल से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कल अपन डिस्कस कर चुके हैं, इंक्वायरी होनी चाहिए, इफ रिमेंबर एनालिटिकल प्रोसीजर होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन होनी चाहिए। उसी के पॉइंट पर चर्चा में अपन ये टीओसी के रिलेटेड थोड़ा सा ये बताते हैं। ये बोलते हैं इंक्वायरी करिए, ऑब्जर्वेशन करिए, इंस्पेक्ट करिए एंड ट्रेसिंग द ट्रांजेक्शन थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम। बट ये कंट्रोल के रिलेटेड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बताया है। तो सर इसको कुछ करना है क्या? कुछ भी नहीं करना, इसलिए मैंने बोला था इसको इग्नोर कर दीजिए। ओके, ये ध्यान रखिए, ऑप्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज कंट्रोल इज नॉट सफिशिएंट। ये तो आपको भी समझ में आ गया, कल मैंने आपको बता दिया। आरएमएम कैलकुलेट किया, क्या हमारा ऑडिट खत्म हो गया? आंसर इज नो। ओके, आपको ये ध्यान रखना है, यानी आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करने पड़ेंगे, टीओसी करना पड़ेगा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर करना पड़ेगा, इविडेंस लेना पड़ेगा, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट इविडेंस होंगे, तब जाके आपका काम होगा। भारत माता की जय, एवरीवन क्लियर? तो ये वाला पोर्शन आप खाली एमसीक्यू मतलब जस्ट रीड मार्क के इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लॉजिकली बस कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी आई तो ऐसा होगा, ये पॉइंट है, ये जनरली पॉइंट है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के। ओके, जो टीओसी के रिलेटेड भी जाते हैं, और ये आता है ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो भाई कवर कर लो। ओके, अगला पॉइंट आता है सर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। मेरे को बताओ, अगर मैंने कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल की लिस्ट बोली तो आपको याद हो क्या मालिक? ये कल अपने डिस्कशन कर लिया था सर। क्या डिस्कशन किया था? कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल कितने हैं मालिक? ओके, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल चार है मालिक। कंट्रोल एनवायरमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग। ये पॉइंट आपको बताया, और ये ईएएस में भी आपको सिमिलर मिल जाता है। तो आप जब ईएएस पढ़ते हो तो उसके अंदर भी यही सिलेबस मिल जाता है मालिक। ओके, अब सवाल ये आता है सर हमको क्या करना है? अब आपको क्या करना है मालूम है क्या? आपका ये कॉम्प्लिकेटेड और क्यों होता है ये चैप्टर फोर्थ, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है? ये पांच के और क्वेश्चंस है यार, ये पांच के फर्दर क्वेश्चंस दिए गए, और ये पांच में बहुत क्वेश्चन की लिस्ट भयंकर है, और वो लिस्ट अपने को ध्यान रखनी है, वो लिस्ट के ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं मालिक। एवरी क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल एनवायरमेंट। ओके, सबसे पहले किस पे बात करते हैं मालिक? कंट्रोल एनवायरमेंट। ये कंट्रोल एनवायरमेंट का डिस्कशन होगा, कंट्रोल एनवायरमेंट में हम लोग क्या करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये आएगा, कंट्रोल एनवायरमेंट में क्या इंक्लूड किया गया है, और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए आएगा एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरमेंट। दो क्वेश्चन, वापस बोल रहा हूं, घाई मत करिए, एकदम आराम से जाते जाइए, मैं सारे कॉन्सेप्ट तोड़ पढ़ाते जा रहा हूं। ओके, मैं कंट्रोल एनवायरमेंट है सर, कितने कंपोनेंट है वैसे आपको बता दूं, पांच कंपोनेंट है सर। कौन से? कंट्रोल एनवायरमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग। इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट, रिस्क असेसमेंट कंट्रोल एक्टिविटीज करते हुए एक आध पॉइंट में अपने को थोड़ा सा आंसर को चेंज करना पड़ सकता है, टीआरबी में थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर आया हुआ है, तो अपन वो कर देंगे मालिक। तो पहले बात करते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट। सर कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या होता है? कंट्रोल एनवायरनमेंट मतलब मैनेजमेंट ने ये कल्चर कैसे बनवाया है ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, तो आपको देख के समझना आता है। ओके, एग्जांपल, इस ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिक ढापा ढापी बहुत करती है, ढापा ढापी समझ रहा है? ढापा ढापी मतलब ढाप के लेके जाती है, कैलकुलेटर चोरी करके लेके जाते हैं, ओके, कॉफी चोरी करके लेके जाते हैं। आप इसका इंजाम मुझे पर अमेंडमेंट डाल दिया मालिक, ये याद रखना, लेकिन ऐसा ढापा ढापी हो रहा है। अब मेरे को बताइए, अगर ऐसा है ढापा ढापी हो रहा है तो तोड़ दिमाग में डालिए मालिक, मेरे को बताइए क्या यहां पर एनवायरमेंट अच्छा है क्या? नहीं। आगे का तो छोड़ दे, रिस्क असेसमेंट गया तेल ने, कंट्रोल एक्टिविटी गए तेल ने, एनवायरमेंट ही से नहीं है। तो आपको एनवायरमेंट क्या पता करना है? एनवायरमेंट में आपको यह पता करना है, क्या यहां पर हॉनेस्टी है, क्या यहां पर इथिकल बिहेवियर है, यहां पर क्या सब लोग कलेक्टिवली काम करते हैं, क्या ये कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, पांच कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सब बरोबर मिलकर काम करते हैं क्या? ये कंट्रोल एनवायरमेंट से समझेगा। सर ये कैसे समझेगा? इसमें पॉलिसी प्रोसीजर लोगे आप कंपनी के, उसके बाद आप ऐसे जनरली देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे, आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखना। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। तो सर व्हाट इज इंक्लूडेड इन कंट्रोल एनवायरनमेंट? प्लीज डू याद रखना, ये बहुत तोड़ याद रखना। व्हाट इज इंक्लूडेड इन कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। सर इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं दो मिनट के बाद ये आंसर खत्म करने के बाद आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले अपन इसको कॉन्सेप्ट को खत्म करते हैं। सर कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या इंक्लूड किया गया है? गवर्नेंस को इंक्लूड किया गया है, मैनेजमेंट को इंक्लूड किया है, उनके एटीट्यूड, उनका अवेयरनेस, उनके एक्शन को इंक्लूड किया गया, और टोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड किया है, यानी तीन चीजें। टीसीडब्ल्यू मैनेजमेंट को हम देखेंगे, ओके, एटीट्यूड को चेक करेंगे पब्लिक का, सारे एम्प्लॉइज का एटीट्यूड देखेंगे, और उसके बाद टोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सर ये टोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? टोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मतलब किस तरह से कम्युनिकेट होता है, किस तरह से हायरार्की बढ़ती है, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की जाती है, किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स अपॉइंट करता है, ह्यूमन रिसोर्स किस तरह से काम करता है, ये पॉइंट होता है टोन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके ऊपर आपको याद रखना है, इसके ऊपर चर्चा याद रखना। मैं अगर बोलता हूं कंट्रोल एनवायरमेंट में क्या क्या आएगा, कंट्रोल एनवायरमेंट में क्या क्या आएगा, कंट्रोल एनवायरमेंट में क्या क्या आएगा, तो कितनी चीज आएगी बेटा? तीन चीजें। ओके सर क्या क्या आएगा? टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट आएगा, पहला चीज तो आप याद रखिए, दूसरा उनके एटीट्यूड आएंगे, उनके अवेयरनेस आएंगे, और तीसरा पॉइंट, ओके, आपको याद रखना पड़ेगा, टोन आएगा, टोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मतलब मतलब ये सारी चीजें इथिक्स से आती है, इथिकल बिहेवियर, दैट इज नथिंग बट टोन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब क्वेश्चन आता है एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरमेंट क्या है, तोड़ रख सकते हैं इसको, इजी आंसर है, कॉन्सेप्ट बहुत जन को मालूम होगा, इजी थी, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता तो दो मिनट आप सुन लीजिए, दो मिनट में आंसर खत्म करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम ये देखेंगे, ओके, एलिमेंट्स इन कंट्रोल एनवायरमेंट मतलब मालूम क्या ये क्या है? ओके, अगर ऑडिटर जाता है कंट्रोल एनवायरमेंट पता करने, तो वो क्या क्या चेक करेगा, ये पॉइंट है, ये सात चीजें चेक करेगा।
ओके सर, व्हाट इज इंक्लूडेड इन कंट्रोल एनवायरनमेंट, यानी यहां पर जो ये एलिमेंट चेक कर रहा है वो किस एरिया के चेक करेगा, वो इधर दिया जाता है मालिक। एवरी क्लियर? ओके सर, व्हाट इज द डिफरेंस, एक क्वेश्चन आया गुरु भाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्लूजन ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। ओके, यानी आपका स्कोप क्या है। ओके, जब आप कंट्रोल एनवायरनमेंट चेक करोगे तो आपका स्कोप क्या होगा। ओके, कंट्रोल एनवायरनमेंट चेक करोगे, मैं ऑपन बोल रहा हूं, कान खुले सब बरबर सुन लीजिए, कंट्रोल एनवायरनमेंट चेक करोगे तो आपका स्कोप क्या होगा। आपके तीन ही स्कोप होंगे, आप टीसीडब्ल्यू मैनेजमेंट को देखोगे, उनके एटीट्यूड को देखोगे और उनके टोन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखोगे, ये आपका स्कोप होगा, इसके बाहर नहीं देखोगे। अच्छा, ये स्कोप हो गया, अब इसके अंदर क्या-क्या चेक करोगे। ओके, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्स। मेरे ख्याल से ये सफाइस कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं। तो अगर मैं बोलूं कंट्रोल एनवायरनमेंट चेक करना है, तो मैं बोलूंगा कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या-क्या चेक करोगे, तो आप तीन चीजें चेक करोगे। अब ये तीन चीजों में क्या-क्या अंदर चेक किया जाएगा एलिमेंट्स में, तो अपन देखेंगे टोटल सात चीजें। सर, उसके अंदर क्या देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट, क्या ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रिटी इथिकल वैल्यूज क्या इसका कम्युनिकेशन हो रहा है, क्या इंटीग्रिटी इथिकल वैल्यूज का कम्युनिकेशन हो रहा है क्या, ये चेक करिए पहला पॉइंट। ओके, इंटीग्रिटी एंड इथिकल वैल्यू, सर ये कैसे कम्युनिकेशन होता है। एग्जांपल सर, ये किसमें लिखा होगा इंटीग्रिटी इथिकल वैल्यू। एग्जांपल लेते हैं, कैडबरी की फैक्ट्री है, कैडबरी की फैक्ट्री में ढापना नहीं चाहिए। ओके, कैडबरी एम्प्लॉय को बोलना चाहिए कि ढापो मत, कैडबरी को ढापो मत, ओके कुछ लेके मत जाओ, फाइव स्टार ढापो मत। ओके, ये कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा, पॉलिसी प्रोसीजर में लिखा होगा और पॉलिसी प्रोसीजर उनको दी जाएगी। दिस इज व्हाट यू नीड टू चेक इट आउट, क्या उनको पॉलिसी प्रोसीजर मालूम है, क्या एम्प्लॉयज को मालूम है, ये पता करिए, जाके इंक्वायरी करिए, ऑब्जर्व करिए, उनके पता करिए क्या उनको मालूम है, क्या कैडबरी मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। है दूसरा सुना, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, यानी यहां पर जो पर्सन अपॉइंट किया गया है क्या वो कॉम्पिटेंट पर्सन है जो अपॉइंट किया गया है। की मैनेजमेंट पर्सन की लिस्ट देखिए, की मैनेजमेंट पर्सन की लिस्ट देखने के बाद पता करिए उसमें सब कुछ क्वालिफाइड है क्या उस पोजीशन के लिए। मालूम पड़ा एक पर्टिकुलर पर्सन है, ओके, जो कोई डायरेक्टर का साला है, ओके, कोई डायरेक्टर है उसका साला है और साले को अपॉइंट किया है जबकि वो कैपेबल कुछ भी नहीं है। ओके, आपको मालूम होगा बहुत सारी पिक्चर में, ओके, मालूम है ना ऐसा कोई, ओके, देख मेरे को एक पिक्चर का नाम भूल गया, कुली नंबर वन, अगर आपने पुरानी वाली या नई वाली तो भंगार है लेकिन फिर भी ठीक है, जो भी देखी होगी तो उसमें देखा होगा, ओके, वो लड़की की शादी होती है तो उसका मामा साथ में आता है, यानी ओके साला मतलब वो जो उसके पापा उसका साला ये साथ में आता है, साला ओके फुकट का टाइम पास है, ओके, लेकिन वो साले को अपॉइंट किया जो कि क्वालिफाइड नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब मेरे को बताओ, ओके, आपको समझ में आना चाहिए, यानी ये कंपनी यार इनका, ओके, इनका तो एनवायरमेंट ही भंगार है ना यार, ओके, यानी ये लोग कैसे भी अपॉइंट कर रहे हैं लोगों को, यानी यहां पर स्किल सेट नहीं देखे जा रहे, कैसे भी अपॉइंट किया जा रहा है, तो कॉम्पिटेंस नहीं है। तीसरा सिनेरियो, आप टीसीएफजी को पता करोगे क्या ये पार्टिसिपेट करती है क्या, सर किसमें, डे टू डे एक्टिविटीज में, क्या ये इंफॉर्मेशन लेती है, क्या ये इंफॉर्मेशन निकालती है, क्या काम कैसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये तीसरा पॉइंट। चौथा, मैनेजमेंट की फिलोसफी पता करना, ओके, मैनेजमेंट की फिलोसफी मतलब क्या, ओके, ये ट्रेडिशनल वे से काम करते हैं या डायनामिक है, मोर एटीट्यूड, उनका एटीट्यूड कैसा है, डायनामिक्स कैसा है, डिसीजन फटाफट लेते हैं, डिसीजन को टाइम लगाते हैं, डिसीजन को प्रोसीजर फॉलो करके डिसीजन लेते हैं या बिना प्रोसीजर फॉलो करके डिसीजन लेते हैं, ये पता करिए। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पता करिए, सर स्ट्रक्चर मतलब मां कसम याद रखना, स्ट्रक्चर टॉप मिडिल लोअर इनका स्ट्रक्चर क्या है। सर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्यों पता करना चाहिए हमें, ओके, अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, इसका मतलब डिसीजन मेकिंग तो बकवास होगा। रीजन सिंपल है, मेरे को बताओ, टॉप लॉन्ग टर्म डिसीजन लेगा, लोअर वाला शॉर्ट टर्म डिसीजन लेगा, अगर ऐसा हायरार्की नहीं है तो डिसीजन मेकिंग में तो दिक्कत आने वाली है मालिक। मेरे ख्याल से एवरीबडी क्लियर विद द एजेंडा, ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। उसके अलावा ओके, पता करिए अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी क्या असाइन बरोबर की जाती है, ओके, जो भी अथॉराइज है, जो भी रिस्पांसिबल बंदा है, क्या उसको कम्युनिकेट बरोबर किया, क्या उसको बरोबर अथॉराइज किया हुआ है, ये आप देखिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसी प्रोसीजर देखिए, ये छह एलिमेंट्स आपको चेक करने हैं। ओके, याद रखना मालिक, मैं आपको वापस बता दूं, ओके, व्हाट इज इंक्लूडेड इज बेसिकली स्कोप ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड स्कोप में कौन से आइटम्स हो सकते हैं या एलिमेंट्स हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। ओके, आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, सर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, हीरा फेरी लिमिटेड है, आपको अपॉइंट किया ऑडिटर, ओके, आप कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल चेक कर रहे हो, ओके, आपको मालूम है पांच कंपोनेंट्स है, फिर पांच कंपोनेंट्स के नाम दिए रहेंगे। उसके बाद आपको ये पूछा जाएगा कि भाई साहब, ओके, यहां पर कंपोनेंट्स चेक करते करते, ओके, आपको कंट्रोल एनवायरनमेंट चेक करना है। अब आपको समझना है कंट्रोल एनवायरनमेंट चेक करते करते उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स कवर होने चाहिए। इज दैट पॉइंट क्लियर, कितने एलिमेंट्स करोगे, सात। सर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या कंडीशन ऑफ इथिकल वैल्यू है क्या, सेकंड पॉइंट, सर कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट किया गया, तीसरा पॉइंट, गवर्नेंस वाले गवर्निंग बॉडी क्या, गवर्नर टीसीएफजी क्या इन्वॉल्व होते, क्या पार्टिसिपेट होते, क्या, चौथा पॉइंट, मैनेजमेंट का ऑपरेटिंग स्टाइल क्या है, पांचवा पॉइंट, चौथा पॉइंट, मैनेजमेंट का ऑपरेटिंग स्टाइल क्या है, पांचवा पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बरोबर है क्या, हायरार्की बरोबर है क्या, याद है मालिक, छठा पॉइंट, ओके, अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी बरोबर असाइन है क्या, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसी प्रोसीजर क्या है। भारत माता की जय, मेरे ख्याल से तोड़, मेरे ख्याल से अब दोनों आंसर क्लियर है।
दोनों आंसर क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर क्लियर है, बात खत्म। तो अब कंट्रोल एनवायरमेंट में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस वापस इसी को रटो, रट रट के आंसर खत्म करो कॉन्सेप्टली। अभी वर्स्ट केस अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो इसका मसला रिलेवेंट वाला तो लिख सकते हो ना मालिक अभी। ओके बात खत्म करो। ओके सर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, अब याद रखना रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। सर आपको याद है कल रिस्क असेसमेंट प्रोसेस बताया था मैंने, सर कौन सा रिस्क असेसमेंट प्रोसेस था? आप कंफ्यूज थे रिस्क असेसमेंट प्रोसेस और प्रोसीजर में। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस और प्रोसीजर में मैंने आपको समझाया प्रोसेस मतलब क्या है और प्रोसीजर मतलब क्या है। प्रोसीजर मतलब आप कैसे करोगे, प्रोसेस मतलब क्या करोगे। प्रोसेस मतलब स्टेप्स रहेंगे, आइडेंटिफाई करो, ओके उसके बाद क्या करना है, चार याद है, आइडेंटिफाई करो, एसेस करो, ओके व्हाट कुड गो रॉन्ग एंड लाइकलीहुड पता करो। सर ये प्रोसेस कौन परफॉर्म कर रहा था रिस्क असेसमेंट? ऑडिटर, ऑडिटर, ऑडिटर 315 के हिसाब से। ये रिस्क असेसमेंट कौन करने वाला है? ये रिस्क असेसमेंट एंटिटी करने वाला है। ओके ये देखो कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल कितने हैं? पांच, कंट्रोल एनवायरमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, मॉनिटरिंग। ओके मेरे को बताओ ये पांच कंपोनेंट्स डालने वाला कौन है? मैनेजमेंट है ना मालिक, पांच कंपोनेंट्स डालने वाला कौन है? ये मैनेजमेंट ही है। एवरीबॉडी क्लियर? कोई भी किसी को भी इसमें तो दिक्कत नहीं है। तो रिस्क असेसमेंट कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं रिस्क असेसमेंट का तरीका एकदम सिंपल है। सर क्या है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करो रिस्क किधर है, उसके बाद उसका सिग्निफिकेंस देखो, उसके बाद उसकी लाइकलीहुड पता करो और एक्शंस लो ताकि वो रिस्क खत्म हो जाए। भारत माता की जय। मैनेजमेंट के चार स्टेप्स है, याद रखना ये चार लिखे या रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के चार लिखे, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं आपको क्लियर बता दूं अगर वो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस लिख रहे हो, मैं आपको क्लियर बता दूं अगर वो आप रिस्क असेसमेंट प्रोसेस लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो मालिक? रिस्क असेसमेंट प्रोसेस लिख रहे हो। सारी आत्मा मेरे साथ है। अगर आप वो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस लिख रहे हो, कौन सा वाला रिस्क असेसमेंट प्रोसेस? ओके जो कल पढ़ाया था वो लिख रहे हो, तो आपको ऑडिटर का एंगल लेना होगा। और ये अगर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस लिखना है तो ये किसका एंगल होगा? मैनेजमेंट का एंगल। तो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, सर कैसे दिया जाएगा? हेरा फेरी लिमिटेड है, आप ऑडिटर अपॉइंट किए हुए, आप कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल फॉलो कर रहे हो, आप कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल फॉलो करते वक्त ओके कुछ रिस्क असेस किया, आप पता कर रहे हो कि मैनेजमेंट रिस्क असेसमेंट कैसे कर रहा है और वो मैनेजमेंट रिस्क असेसमेंट क्या कर रहा है या क्या स्टेप्स होने चाहिए मैनेजमेंट के, तो आप बताइए कौन से रिस्क असेसमेंट स्टेप्स होंगे। आत्मा क्लियर है? ओके तो मेरे ख्याल से आपको यह समझ में आ जाना चाहिए, यहां पर कवरेज हो रहा है। मेरे ख्याल से ये क्लियर है, क्लैरिटी है इसके ऊपर। बुक्स में बताना कौन सा क्वेश्चन है। बुक्स में अगर आप देखोगे तो कल का क्वेश्चन ये वाला है यार बेटा। ओके अगर आप देखोगे कल का क्वेश्चन पेज नंबर कौन सा लोगे? मां कसम इतना मैंने ये कर दिया है। ओके ये वाला क्वेश्चन पेज नंबर 23 पे। ओके ऑडिट AUD 23 पे अगर आप देखोगे ये था रिस्क असेसमेंट प्रोसेस 2.1 वाला। तो 2.1 और ये वाला कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इज दैट पॉइंट क्लियर? तो 2.1 और ये वाले इसमें डिफरेंस क्या समझा? 2.1 और इधर वाला जो बी अपन पढ़ रहे हैं, ओके ये फोर्थ का बी जो पढ़ रहे हैं, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों में डिफरेंस क्या है मालिक? ये दोनों में डिफरेंस ये है, वो वाला जो काम है वो ऑडिटर करता है, ये वाला जो काम है वो कौन करता है? ओके मैनेजमेंट करती है। ओके इज दैट पॉइंट क्लियर? परफेक्ट। ओके अगला आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके अब ये इंफॉर्मेशन सिस्टम पहले लिया हुआ है और कम्युनिकेशन पहले लिया हुआ है अपने बुक में, डजंट मैटर। ओके वैसे देखा जाए तो कंट्रोल एनवायरमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज आना चाहिए था, कंट्रोल एक्टिविटीज के बाद दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन दोनों को खत्म कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? इंफॉर्मेशन सिस्टम, और उसके बाद करते हैं कम्युनिकेशन की। ओके कम्युनिकेशन वाला कॉन्सेप्ट अपन बाद में, मतलब ये दोनों बाद में देखते हैं, एक दूसरे के इसमें देखते हैं। ओके बहुत ईजी आंसर है, ओके बहुत आराम से जाएगा, आराम से दिमाग में डालिए। सबसे पहला ओके क्या कंपनी के पास, क्या मेरी एंटिटी के पास, क्या कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के पास, क्या इनके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं? आंसर इज यस। ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं किसके पास होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स? ये एंटिटी के पास होते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझना चाहिए ऑडिटर ने? आंसर इज यस। ये सवाल इधर डिस्कशन में आया। आप समझ रहे हो, आप क्वेश्चन क्या समझ रहे हो? इधर क्या है? अच्छा मेरे को बताओ कंट्रोल एनवायरमेंट में क्वेश्चन क्या था? व्हाट आर इंक्लूडेड इन कंट्रोल एनवायरमेंट और व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरमेंट, यही था। रिस्क असेसमेंट में क्या था? स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट डन बाय मैनेजमेंट, यही क्वेश्चन था। उसी तरह इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या है? ओके ऑडिटर ने यहां पर ऐसा मत समझना कि मैनेजमेंट ने इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन से डाले, ये डिस्कशन नहीं है। क्वेश्चन क्या है वो समझो। क्वेश्चन ये है ऑडिटर जब इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझेगा, ओके जब कंट्रोल को समझेगा, कंट्रोल में वो जब इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझेगा तो वो क्या क्या समझेगा, उसमें क्या क्या डेटा लेगा। ओके तो इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझते वक्त वो कितने पॉइंट लेगा? ओके तो ये आपके लिए 6 पॉइंट कवर करने हैं। आई डू थिंक क्वेश्चन को समझ में सबको आया है। तो सबसे पहले वो क्या समझेगा? क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन कौन से है जो इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोसेस कर रहे हैं, यानी जो अगर मेरे पास कोई सिस्टम्स है, ओके कोई सॉफ्टवेयर है, वो कौन से क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन प्रोसेस कर रही है, सीओटी कौन से ट्रांजेक्शन प्रोसेस करते हैं, ओके वो सिस्टम या सॉफ्टवेयर कौन से ट्रांजेक्शन प्रोसेस करते हैं। दूसरा प्रोसीजर क्या है जिससे ये ट्रांजेक्शन प्रोसेस होते हैं, यानी दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। ओके क्योंकि सेकंड ये समरी है ना, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ओके पहले वाले इसमें अपन ने क्या समझा? ओके पहले वाले इसमें अपन ने समझा वो सॉफ्टवेयर कौन से ट्रांजेक्शन प्रोसेस करता है। सेकंड में अपन ये समझ रहे हैं वो ट्रांजेक्शन जो प्रोसेस कर रहा है उसमें प्रोसीजर क्या है, यानी रिकॉर्ड कैसे होगा, ओके उसको अपडेट कैसे किया जाएगा, उसको ऑथराइज कैसे किया जाएगा, अगर बाय चांस गलत एंटर कर दिया उसको रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा। समझ में आया? तो यहां पर प्रोसीजर है, यहां पर कौन से ट्रांजेक्शन, तो याद रखना ये कौन से है,
कौन से ट्रांजेक्शन है ओके, और इसका तरीका क्या है ट्रांजेक्शन प्रोसेस करने का, समझ में आया, दोनों में डिफरेंस ये है। तो कौन से ट्रांजेक्शन प्रोसेस करता है सिस्टम, पहला पॉइंट, उसके तरीके क्या है प्रोसेस करने के, दूसरा पॉइंट, तीसरा रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कौन से हैं, सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन कुछ है क्या स्पेसिफिक अकाउंट से क्या, वो देख लीजिए। यानी आप जो सिस्टम ले रहे हो सिस्टम के रिलेटेड कौन सा कॉन्सेप्ट हो रहा है वो भी आप चेक कर लीजिए ओके। यानी आपके रिलेटेड अकाउंटिंग पार्ट आप देख लीजिए, मालिक रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड्स आप देख लीजिए, रिकॉर्ड्स यानी जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्रोसेस कर रहा है, उसके अलावा कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आप रख रहे हो जो सिस्टम नहीं प्रोसेस कर रहा है पर उससे रिलेटेड है ओके। ऐसा हो सकता है कुछ मैन्युअली रख रहे हो आप, कुछ वाउचर्स मैन्युअली रख रहे हो, वो जो सिस्टम के रिलेटेड होगा ओके उसको पता कर लीजिए। उसके अलावा इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर कैसे करता है डेटा ये पता करिए, हाउ इट कैप्चर्स, तो कैप्चरिंग वर्ड याद रखिए। उसके अलावा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस कैसा होगा आपका, मतलब यार आपने सिस्टम ने सॉफ्टवेयर ने प्रोसेस कर दिया, अभी एग्जांपल टैली, टैली तो पूरा पीएनएल बैलेंस शीट बना के दे देगा, तो टैली तो पूरा दे देगा। दूसरा कोई सॉफ्टवेयर है एमबायओबी करके सॉफ्टवेयर होता है, माइंड योर ओन बिजनेस ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऑस्ट्रेलिया का सॉफ्टवेयर है, तो इसका प्रोसेसिंग कैसे होगा, इसमें पूरा पीएनएल बैलेंस शीट पूरा बना के नहीं देते, अपने को चाहिए तो अपन मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस देख लीजिए। एंड सराउंडिंग जनरल एंट्री जो लास्ट ईयर एंड में मारते हैं, आपको मालूम होगा जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट है जो मटेरियल जनरल एंट्री है। तो सर सवाल क्या है, सवाल ये है कि ऑडिटर जब इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझेगा तो क्या 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 चीजें चेक करेगा, वो क्या क्या पता करेगा, क्या क्या अंडरस्टैंडिंग करेगा। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझते वक्त क्या क्या अंडरस्टैंडिंग करनी है, इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझते वक्त क्या क्या अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो याद रखना कितनी अंडरस्टैंडिंग करनी है, 6। सर सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, सबसे पहला पॉइंट है इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन सा है जो प्रोसेस कर रहा है क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, तो वो ट्रांजेक्शन पता करिए जो प्रोसेस कर रहा है सिस्टम। दूसरा पॉइंट वो प्रोसीजर क्या होगा उस ट्रांजेक्शन को एंटर करने का, प्रोसेस करने का, मॉडिफाई करने का, वॉट एवर। तीसरा सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके रिलेटेड कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखा जा रहा है क्या, ये चार्ज कर रही है। चौथा सिनेरियो इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर कैसे करता है डेटा, और पांचवा सिनेरियो इसका रिपोर्टिंग प्रोसेस क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है कोई जर्नल एंट्री कॉन्सेप्ट है क्या मालिक ओके। ये 6 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, लेकिन किसके बारे में, इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, किसके बारे में बेटा, इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। इज दैट पॉइंट क्लियर मालिक एवरीबॉडी? सर ऑल चैप्टर्स के रिवीजन होने वाले क्या, आंसर इज यस, सारे चैप्टर्स के रिवीजन होंगे, बस रोज रात को 9:30 से लेकर 10:30 तक अगले हफ्ते तक, अगले हफ्ते के एंड में अपन क्लोज कर देंगे इसको ओके। खाली आपका मंडे और ट्यूजडे अपने पॉइंट पे, जो मंडे संडे मंडे ट्यूजडे एक दो तीन दिन जब वो नवमी दशहरा होगा तो आई विल बी ट्रैवलिंग टू मुंबई, उस दिन प्लस माइनस होगा मैं आपको बता दूंगा ओके। सो तोड़ मालिक यहां तक की कहानी क्लियर हो जाती है मालिक, तो भारत माता की जय। अगला पॉइंट है सर कम्युनिकेशन ओके। सर कम्युनिकेशन मैटर्स अ लॉट, अब ये कम्युनिकेशन कौन सा है ओके, कम्युनिकेशन कौन सा है, कम्युनिकेशन कौन सा है मालिक, कम्युनिकेशन की कॉन्सेप्ट कौन सा है, कम्युनिकेशन ऑफ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइनेंशियल रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओके। अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सुनिए मालिक ओके। अगर कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो रही है तो उसमें ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग कैसे करेगा, ऑप्टेन एंड अंडरस्टैंडिंग, वो अंडरस्टैंडिंग कैसे करेगा मालिक ओके, वो अंडरस्टैंडिंग कैसे करेगा, भारत माता की जय। सबसे पहला पॉइंट वो कैसे अंडरस्टैंड करेगा, सबसे पहला वो पता करेगा मैनेजमेंट और टीसीबीजी के बीच में कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है वो पता करो ओके। यानी उसको अंडरस्टैंडिंग करनी है मैनेजमेंट और टीसीबीजी के बीच में कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है। सर इसका एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल ओके मेरे को बताओ, मैनेजमेंट को कुछ इश्यूज आए तो उन्होंने किससे कम्युनिकेट करना चाहिए, टीसीबीजी ओके। अगर मैनेजमेंट ने कुछ फ्रॉड किया होंगे तो क्या टीसीबीजी से उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, आंसर इज यस, ये तू चेक करना चाहिए, दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट एक्सटर्नल कम्युनिकेशन देखने चाहिए मालिक। अब क्वेश्चन है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास भी देख सकते हैं और उसके उन्होंने पॉइंट दिए जो कंसीडरेशन है ओके। तो दो तरह के कम्युनिकेशन है, कितने तरह के कम्युनिकेशन है मालिक, दो तरह के। सर कौन से दो तरह के कम्युनिकेशन है, पहला पॉइंट है इंटरनल कम्युनिकेशन, दूसरा है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। मेरा पॉइंट मेरे पास वापस आंसर में आई है, दो कम्युनिकेशन है, कौन से कम्युनिकेशन है, इंटरनल कम्युनिकेशन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, भारत माता की जय। एवरीडी क्लियर मालिक ओके। और ये दो के लिए आप क्या कंसिडर करोगे, तो कंसिडर आपको टोटल 5 चीजें करनी है। सबसे पहले आप पता करिए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम्युनिकेट की जा रही है क्या मालिक ओके। यानी सर ये कैसे पता करेंगे, अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, आप एम्प्लॉय के पास जाइए, उनसे इंक्वायरी करिए क्या आपको पता है कि आपको क्या काम करना है, आपको कौन से डॉक्यूमेंट फिल करना है। और मैं आपको बता रहा हूं ये सब अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा कल मतलब अभी आज अपन एनवायरमेंट खत्म होगा उसके बाद एंड करेंगे, और कल अपन जब इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन करेंगे तब उसमें पढ़ेंगे फ्लो चार्ट्स, नैरेटिव रिकॉर्ड, ये जब पढ़ेंगे ना ये तरीके हैं जिससे आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालोगे मालिक, ये तरीके हैं जिसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या, मैनेजमेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम्युनिकेट करता है कि नहीं ये पता करो। दूसरा पॉइंट अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड रिगार्डिंग रिलेशन ऑफ एक्टिविटी। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसा हो सकता है ओके आपको कुछ काम बोला हुआ है ओके, आपको 1 2 3 4 5 ये स्टेप फॉलो करने बोले, लेकिन हो सकता है ये 5 स्टेप फॉलो करते वक्त अगर चौथे स्टेप में कुछ 19-20 हो गया ओके, वो बराबर फॉलो नहीं हुआ, तो इस केस में आपने किससे कम्युनिकेट करना है क्या ये आपको मालूम है क्या, अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग रिलेशन ऑफ एक्टिविटी, यानी उस एक्टिविटी के
रिलेटेड कुछ इशू हुआ तो आपको किससे कम्युनिकेट करना है, ओके ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। ओके अब याद रखिए एग्जांपल, ओके अगर मेरे ऑफिस के एग्जांपल की बात करूं तो भाई होली को इशू आया तो होली किससे कम्युनिकेट करेगा, मेरे से, पर मेरे से कम्युनिकेट करने के लिए बाद में जाएगा, पहले वो होली किससे कम्युनिकेट करेगा, भाई एक मेरा मनाली है, मनाली से कम्युनिकेट कर लेंगे, मनाली से कम्युनिकेट हुआ वो शॉर्ट नहीं हुआ फिर मेरे से कम्युनिकेट होगा, समझ में आया। तो रिलेशन ऑफ एक्टिविटी ये दो याद रखना, पहला पॉइंट है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कम्युनिकेटेड है ये पता करो, क्या रिलेटेड एक्टिविटी रिलेशन ऑफ एक्टिविटी कम्युनिकेटेड, रिलेशन ऑफ एक्टिविटी मतलब समझाना, ओके रोल परफॉर्म करते हुए कुछ दिक्कत आई तो। तीसरा सिनेरियो क्या मैनुअल्स वैनुअल सब कुछ आपको अपडेटेड किया है, यानी इनके पास क्या मैनुअल्स ऑलरेडी कम्युनिकेटेड है, आंसर इज यस। ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स, ओके मेरे ख्याल से विसल ब्लोअर पॉलिसी आपको मान होना चाहिए, ओके ऑडिट कमिटी इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर ओपन कम्युनिकेशन चैनल, क्या इस कंपनी में ऑडिट कमिटी है, क्या इस कंपनी में विजिल मैकेनिज्म हो रहा है, क्या इस कंपनी में ओके वुमन हैरेसमेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर कुछ केसेस होते हैं क्या, ये पता करना इज बेसिकली ओपन चैनल कम्युनिकेशन, ये कॉन्सेप्ट होता है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है जितनी छोटी एंटिटी ये सारा जो कम्युनिकेशन होगा स्ट्रक्चर्ड वैसे होगा या अनस्ट्रक्चर्ड वैसे होगा, अनस्ट्रक्चर्ड वैसे होगा तो उसके इसमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, आप उनको डायरेक्टली बात करोगे क्योंकि पॉलिसी प्रोसेस ही नहीं होंगे ना यार, लिखित ही नहीं होगा बहुत सारी चीजें यार, बहुत सारी चीजें ओरल में काम होगी, ये कॉन्टेक्स्ट होता है व्हेन वी आर गोइंग विद दिस पर्टिकुलर स्मॉल एंटिटी। ये पांच पॉइंट हो गए, ये ध्यान रखना बहुत पॉइंट आंसर है। तो अब मैं क्या पूछ रहा हूं सुन लीजिए, ओके कम्युनिकेशन में कितने तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, कम्युनिकेशन में वापस बोल रहा हूं सर हेराफेरी लिमिटेड है, आप उनको ऑडिट कर रहे हो और आप कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल पता कर रहे हो, क्या पता कर रहे हो बेटा कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, क्या पता कर रहे हो कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, उसमें एक कंपोनेंट रहता है कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन पता करते वक्त आपको पता करना था कितने प्रकार के कम्युनिकेशन है, कितने प्रकार के कम्युनिकेशन है आपको यह पता करना था, कितने प्रकार के कम्युनिकेशन है, ये सबको समझ में आ रहा है। अब वो कितने प्रकार के कम्युनिकेशन है ये आंसर क्वेश्चन आया तो क्या लिखोगे, दो प्रकार के कम्युनिकेशन है इंटरनल एंड एक्सटर्नल, समझ में आ गया, इंटरनल मतलब मैनेजमेंट और टीसीपी के बीच में, एक्सटर्नल मतलब ओके बाहर वाले कॉन्टेक्स्ट, ये पॉइंट समझा। अब क्वेश्चन है ये कम्युनिकेशन समझते वक्त ऑडिटर ने क्या क्या अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए, ओके क्या क्या कंसीडरेशन लेनी चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखना चाहिए, तो कितने फैक्टर्स ध्यान में रखेगा, पांच, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कम्युनिकेशन हुआ है क्या, पहला चीज, रिलेशन ऑफ एक्टिविटीज का कम्युनिकेशन हुआ है क्या, यानी एग्जांपल उसको मालूम है क्या अगर ये रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करते वक्त अगर कुछ दिक्कत आई तो किससे बात करना है, क्या इसको पता, क्या तीसरा क्या मैनुअल्स कम्युनिकेटेड हुए हैं क्या उसको, चौथा सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट सिनेरियो क्या ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स है क्या, यानी विसल ब्लोअर पॉलिसी जैसा, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है स्मॉल एंटिटी में जाओगे तो लेस स्ट्रक्चर तरीका रहेगा, भारत माता की जय, मेरे ख्याल से आंसर तोड़ बैठ जाना चाहिए दिमाग में, तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस चीज के लिए। तो मालिक आपने क्या किया, कंट्रोल एनवायरनमेंट खत्म किया, रिस्क असेसमेंट खत्म किया, इंफॉर्मेशन सिस्टम खत्म किया, कम्युनिकेशन खत्म किया, आप देख लो आंसर डेटा लेते जाओ। इसके पहले सर मैंने कितने क्वेश्चन किए थे, ओके कंपोनेंट्स चालू करने के पहले कितने क्वेश्चन किए थे अगर आपको याद है, ये चार मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, ओके ये चार किए, ये चार होने के बाद मैंने आपको एक सवाल किया, ओके रिलेवेंट टू ऑडिट वाले आंसर क्या, यानी इसके पहले कितने सवाल किए हैं, पांच, ओके वो चार स्टार्टिंग के जो चार, ये एक क्वेश्चन था पांचवा क्वेश्चन। अब मैं कंपोनेंट्स में जा रहा हूं जिसके अंदर कंट्रोल एनवायरमेंट मैंने दो किए, रिस्क असेसमेंट में एक किया, इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक किया, ओके और कम्युनिकेशन का एक किया, मतलब दो है इसमें पर दो मत रखिए एक ही रखिए, कितने तरह के कम्युनिकेशन है और उस कम्युनिकेशन को कंसिडर करते हुए क्या फैक्टर ध्यान में रखने हैं, इज दैट पॉइंट क्लियर, ओके अब बढ़ते हैं कंट्रोल एक्टिविटीज की तरफ, ओके कंट्रोल एक्टिविटीज का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में झेपना चाहिए। सर कंट्रोल एक्टिविटीज क्या बोलता है, कंट्रोल एक्टिविटीज मतलब पॉलिसी प्रोसेस है, लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मालिक, भारत माता की जय, तोड़ इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंट रिस्क। यहां पर आपको एक सवाल आता है, सर इन एक्सरसाइजिंग जजमेंट एज टू व्हिच रिस्क आर सिग्निफिकेंट रिस्क द ऑडिटर शैल कंसीडर एटलीस्ट द फॉलोइंग, यानी ओके यार सर आप मेरे को बताओ 260 और 40 कुछ याद आ रहा है एग्जांपल, ओके 300 में से 40 में आरएमएम था, ओके और 240 260 में आरएमएम कम था, आरएमएम नहीं था ऐसा नहीं बोल रहा हूं, 260 में आरएमएम कम था, अब ये जो 40 आए हैं ना, जो 40 आए ना वो 40 को और फिल्टर करेंगे और वो आरएमएम की लिस्ट से हम एसआर निकालेंगे, एसआर का फुल फॉर्म होता है सिग्निफिकेंट रिस्क, ओके इसके लिए सवाल और एक आ सकता है, पहले एक बार मैं एसआर की लिस्ट बना दूं आपको रटा दूं, ओके या शायद आपको रटी हुई भी रहेगी, गुड इनफ, ओके काम खत्म करो, ओके सर एसआर कितने कहते हैं, सबसे पहले क्या रिस्क फॉरवर्ड है, सेकंड पॉइंट क्या रिस्क ओके चेंजेस इन रेगुलेटरी एनवायरमेंट है, क्या रिस्क कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन है, क्या यहां पर ओके रिलेटेड पार्टी का ट्रांजेक्शन है, क्या यहां पर सब्जेक्टिविटी है, सब्जेक्टिविटी मतलब एस्टिमेट है, ये पॉइंट पे, एंड लास्ट पॉइंट क्या ये आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है क्या, ओके यानी रिस्क इन्वॉल्व है सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन पे जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, सर कितने सिग्निफिकेंट रिस्क है, एसआर के कितने पॉइंट है, 6 पॉइंट है सर, कौन से पॉइंट, मेरे सीक्वेंस देख ले दो, सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूं रिस्क ऑफ रिलेटेड पार्टी, दूसरा पॉइंट आता है रिस्क ऑफ ओके याद रखना मैं एक अपना तरीका है याद रखने का, रिस्क ऑफ रिलेटेड पार्टी है, दूसरा पॉइंट है रिस्क ऑफ एस्टिमेट्स, ओके तीसरा पॉइंट है रिस्क ऑफ ओके लॉज एंड रेगुलेशन, चौथा पॉइंट रिस्क ऑफ फ्रॉड,
फ्रॉड, चार पॉइंट अपने तरीके, कौन से रिलेटेड पार्टी, एस्टिमेट्स मतलब सब्जेक्टिविटी, उसके बाद है तीसरा पॉइंट रिस्क ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन जो चेंजेस होते हैं, उसके बाद है रिस्क ऑफ फ्रॉड। एंड लास्ट दो तरीके आपको याद रखने पड़ेंगे, लास्ट दो तरीके कौन से है, लास्ट दो पॉइंट क्या है, एक है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन एंड एक पॉइंट होगा अनयूजुअल ट्रांजेक्शन। कौन से ट्रांजेक्शन? अनयूजुअल। तो अगर कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है, ये छह केसेस में ओके आपका एसआर माना जाएगा। और आपको याद होगा तो इसके कॉन्सेप्ट में आपको क्वेश्चन आ सकता है कौन से एरियाज है जहां पर आपको स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन करने हैं, कौन से एरियाज है जहां पर आपको स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन करने हैं। याद आ रहा है मालिक, ये कल सवाल खत्म करते करते मैं आपको ऑल टुगेदर बता रहा था ओके स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन के, ये फिर रिमेंबर कंट्रोल रिस्क केस में अगर आप पहले पेज पे जाओगे तो उसके अंदर आपको याद होगा ओके ये जब अपन डिस्कशन कर रहे थे उस केस में मैंने आपको बताया था स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन को भी आपको ध्यान में रखना होगा ओके। ये जब केओसी की अंडरस्टैंडिंग की आपने तो अंडरस्टैंडिंग बेनिफिट्स ऑफ केओसी जब अपने पढ़े तो उसके अंदर था स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। तो कौन से एरियाज है जहां पर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन की जरूरत पड़ती है सर? कितने एरियाज है? छह एरियाज कौन से है? रिलेटेड पार्टी है, उसके बाद लॉज एंड रेगुलेशन एस्टिमेट्स है, उसके बाद लॉज एंड रेगुलेशन है, उसके बाद फ्रॉड है, उसके बाद है कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, उसके बाद है अनयूजुअल ट्रांजेक्शन। इज दैट पॉइंट क्लियर? लेकिन ये कंट्रोल एक्टिविटी का आंसर इधर खत्म नहीं होता। अब मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूं। अब आगे क्या लेके जाता हूं, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप प्लीज ध्यान दीजिए, इधर थोड़ा सा ये बरोबर मार्क नहीं है, ये बरोबर लिखा हुआ नहीं है, तो इसको थोड़ा सा सुनना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन है ओके मेरे को बताओ, जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है ओके जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है या कॉन्सेप्चुअली बात करें तो जो अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है, मेरे को बताओ अनयूजुअल ट्रांजेक्शन कौन से ट्रांजेक्शन होंगे, रूटीन या नॉन रूटीन? नॉन रूटीन होंगे। अनयूजुअल मतलब रोज नहीं होने वाले ना, तो नॉन रूटीन होंगे। तो क्या इसमें आरएमएम ज्यादा होगा? 100% अरे एसआर दिया गया है यार, तो ये आरएमएम ज्यादा क्यों होते हैं नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन में? तो इसका आंसर का ध्यान रखना ओके, आरएमएम ज्यादा क्यों होता है नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन में? तो सबसे पहला पॉइंट, मैनेजमेंट इंटरवेंशन बहुत ज्यादा होता है और मैनुअल इंटरवेंशन बहुत ज्यादा होता है। दो चीज आप ध्यान में रखिए। क्या पॉइंट है मालिक? मैनेजमेंट इंटरवेंशन ज्यादा होता है और मैनुअल इंटरवेंशन ज्यादा होता है। और याद रखना मतलब नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन है जिसके लिए पॉलिसी प्रोसीजर नहीं होते हैं, जिसके लिए अगर पॉलिसी प्रोसीजर नहीं होते हैं तो इसके लिए मैनेजमेंट का इंटरवेंशन ज्यादा होगा, क्योंकि पॉलिसी प्रोसीजर में नहीं लिखा हुआ था, सब लोग एक दूसरे से पूछेंगे और जितना एक दूसरे से पूछेंगे इसके लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं होगा। यानी ये कौन सा ट्रांजेक्शन होगा? मैनुअल ट्रांजेक्शन, सॉफ्टवेयर वाला नहीं होगा ओके। ये पॉइंट आप ध्यान में रखना, एवरीवन क्लियर मालिक? ये पॉइंट आप ध्यान रखिए ओके, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अ पॉइंट। एंड यहां पर इसके कैलकुलेशन कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होंगे। कौन से कैलकुलेशन होंगे? कॉम्प्लेक्स। इसका कैलकुलेशन जो होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स क्यों होगा? क्योंकि भाई रूटीन ट्रांजेक्शन है ही नहीं ओके, तो जजमेंट लगाया जाएगा, तो जजमेंट जब लगाया जाएगा तो कैलकुलेशन भी तो कॉम्प्लेक्स होगा ओके। एंड ये नेचर ऑफ नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन कैसा है, इसको इग्नोर भी कर दिया तो चल जाएगा। आप ये तीन पॉइंट को अच्छे से याद रखिए मालिक ओके। सर क्या हो रहा है, मतलब मेरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आ रहा है ओके, जो नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन है क्या उसमें आरएमएम ज्यादा है? क्या नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन है उसमें आरएमएम ज्यादा है? आंसर इज यस। सो उसका कारण क्या है? क्योंकि रूटीन नहीं है तो पॉलिसी प्रोसीजर में नहीं होगा, और पॉलिसी प्रोसीजर में नहीं होगा तो मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा, मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा तो सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं होगा, तो सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं होगा तो मैनुअल इन्वॉल्वमेंट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसका कैलकुलेशन कैसे मानेंगे? कैलकुलेशन होगा जजमेंट के ऊपर, और जजमेंट जब लगाया जाएगा तो कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होगा। आत्मा क्लियर? उसी तरह से और एक क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड, क्या आरएमएम ओके सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर में भी ज्यादा होते हैं जहां पर जजमेंट लगाए जाते हैं? आंसर इज यस। एग्जांपल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, गारंटी, वारंटी, इसमें जो ये केसेस है ओके जो मैनेजमेंट जजमेंट लगाता है इसमें भी आरएमएम ज्यादा होता है। सर क्यों? क्योंकि इसमें इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकता है फ्रॉम वन मैनेजमेंट टू अनदर मैनेजमेंट। एंड दूसरा पॉइंट ओके, ये सब्जेक्टिव होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। सब्जेक्टिव यानी आपका आंसर और मेरा आंसर अलग लगा सकता है मालिक ओके। सो ये दो आंसर है, ये तीन आंसर आपने पढ़े हैं मालिक, मैं वापस बोल रहा हूं, कंट्रोल एक्टिविटी में तीन आंसर पढ़े सर। कौन से तीन आंसर पढ़े? पहला पॉइंट पढ़ा एसआर ओके, ये आना चाहिए सबको, छह पॉइंट। उसके बाद मैंने बोला आरएमएम ज्यादा है, किधर ज्यादा है? नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन में, उसके पॉइंट अपन ने पढ़े, तीन पॉइंट में लिखने बोला मैंने। और एक मैंने बोला आरएमएम ज्यादा है सर कौन से ट्रांजेक्शन में? जजमेंटल ट्रांजेक्शन में। सर इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है मालिक, इस पे क्वेश्चन आने की संभावना ऐसी हो सकती है ओके, इसके हेराफेरी लिमिटेड है, हेराफेरी लिमिटेड जजमेंट बहुत लगाती है और मैनेजमेंट जजमेंट बहुत लगाता है, बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम है जिसमें जजमेंट लगाए जाते हैं। इस केस में हेराफेरी लिमिटेड जिसमें जजमेंट लगा रहा है ओके, एलिमेंट जजमेंट लगा रहा है, वो जजमेंट लगाने में क्या आरएमएम ज्यादा होता है? ओके, एज ए ऑडिटर एक्सप्लेन, क्या आरएमएम ज्यादा होता है? आंसर इज यस। कितने आंसर है? खाली दो आंसर। सर कौन से दो आंसर? सिर्फ दो पॉइंट लिखने हैं सर। जजमेंट लगाते वक्त इंटरप्रिटेशन अलग होता है और ये सब्जेक्टिव होता है। बात खत्म, आंसर ओवर, चार मार्क तुम्हारे होंगे मालिक, याद रखना ओके। सर वापस हेराफेरी लिमिटेड है ओके, यहां पर इनके नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन होने की संभावना ज्यादा है ओके, क्योंकि इनके पॉलिसी प्रोसीजर में कवरेज नहीं है, तो इस केस में क्या आरएमएम ज्यादा है? आंसर यस। कारण बताइए आरएमएम ज्यादा क्यों होगा? बस ये तीन पॉइंट आप लिख के रखिए, काम खत्म, चार मार्क तुम्हारे भाई ओके। याद रखिए, इसमें ज्यादा मसाला भी नहीं है।
ये तीनों आंसर में मसाला नहीं है मालिक, मसाला मतलब कंटेंट कुछ भी नहीं है, तो क्यों चिंता का विषय भाई, आंसर तोड़ रट ले, कॉन्सेप्ट समझ ले, बात खत्म हो गया। और इसके बाद आता है लास्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। ओके, यहां पर अपना कंपोनेंट ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट, कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल खत्म हो जाता है, और यहां पर अपनी कहानी आज के लिए अपन एंड करेंगे मॉनिटरिंग खत्म करने के बाद। यानी अपने एक लास्ट 5 मिनट बचा हुआ है, जो अपने लॉजिक लगा था कि घंटे भर के लिए कंटेंट अपन देख रहे हैं, तो लॉजिकली मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। तो सर मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल के कॉन्सेप्ट में क्या है, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल में दो क्वेश्चन है। सर पहला पॉइंट है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल क्या होता है, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल ऐसा होता है कि जिसमें मैनेजमेंट मॉनिटर करता है कंट्रोल को। तो इसमें दो सवाल होते हैं, एक होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट नहीं है, और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है उसमें मैनेजमेंट मॉनिटरिंग कौन करेगा, इंटरनल ऑडिट करेगा। जिसमें इंटरनल ऑडिट फंक्शन नहीं है उसमें मॉनिटरिंग कौन करता है, मैनेजमेंट करता है। तो मैनेजमेंट कैसे करता है उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले पता कर लीजिए क्या मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल डिफाइंड है क्या, मेरे को वापस याद करके बता दूं मैं आपको, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल मतलब क्या, पता करना कंट्रोल जैसा ऑपरेट होना चाहिए वैसे ही ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल डिफाइंड है कि नहीं, यानी पॉलिसी प्रोसीजर में लिखा है कि मॉनिटरिंग कैसा होगा कि नहीं होगा। सेकंड, हेल्प इन असेसिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल ऑन टाइमली बेसिस, क्या ये मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल की वजह से इफेक्टिवनेस मालूम पड़ेगा, आंसर इज यस, कंट्रोल कैसा है कैसा नहीं है पता चलेगा। तीसरा सिनेरियो, ओके, ये ऑनगोइंग भी हो सकता है सेपरेट भी हो सकता है। सर इसका एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल ओके, सपोज एक रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है, ओके, और एक बंदा इधर बैठा हुआ और कंटीन्यूअस उस सीसीटीवी कैमरे को चेक कर रहा है, इसका मतलब ये कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग हो रहा है। और एक है सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, और महीने के एक महीने के बाद हम उसको फटाफट चेक कर रहे हैं, ये होता है ओके ऑनगोइंग सेपरेट इवैल्यूएशन। समझ में कुछ आया, ओके, इसको हम लोग बोलते हैं व्हेन वी आर डिस्कसिंग मॉनिटरिंग। तो ये मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, ऑनगोइंग से करते हैं, सेपरेट इवैल्यूएशन करते हैं। उसके अलावा मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एक्टिविटीज क्या होगी ये बताइए। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट होता है मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, मतलब उन्होंने क्या किया हुआ है, उनके रिजल्ट्स क्या है उनके। अब मेरे को बताओ मॉनिटरिंग करने के बाद कंट्रोल इफेक्टिव नहीं आया तो क्या करने का, गोटे खेलने का रे, ओके नहीं ना रे, ओके अपने को रेक्टिफाई करना पड़ेगा ना, ओके वो मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एक्टिविटीज में वो आता है। क्या उन्होंने अगर कुछ डेफिशिएंसी मिली या कुछ मॉनिटरिंग करने के बाद मालूम पड़ा ये काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए क्या कर रहे हैं। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है इन केस ऑफ स्मॉल एंटिटीज, ओके मॉनिटरिंग करना आसान होगा या मुश्किल होगा, मुश्किल होगा मालिक। सर मुश्किल होने का कारण रीजन सिंपल है, उसके मुश्किल होने का कारण क्या होगा, मुश्किल होने का कारण एकदम सिंपल होगा, रीजन सिंपल है कि इसमें मॉनिटरिंग होने ओके संभावना नहीं होगी क्योंकि कंट्रोल होने की संभावना नहीं है, ये अपने ऑलरेडी डिस्कस किया है। क्योंकि कॉस्ट कम करना है यार, कॉस्ट बढ़ा नहीं सकते ये लोग, इसलिए मॉनिटरिंग भी कैसे होगा, मुश्किल है मालिक। आत्मा क्लियर, ये होने के बाद ये 5 पॉइंट खत्म हो जाते हैं। ओके, ये कब लिखना है, जब इंटरनल ऑडिटर नहीं है, इंटरनल ऑडिटर नहीं है। सर इफ इंटरनल ऑडिटर है तो ये कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बस इंटरनल ऑडिटर कैसा है ये पता कर ले। तो भाई सबसे पहले क्या पता करेगा, फंक्शन कैसा है इंटरनल ऑडिटर का, उनका साइज और स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, इंटरनल ऑडिटर साइज और स्ट्रक्चर एंटिटी के साथ में कंपनसेट होना चाहिए मालिक। ओके, इंटरनल ऑडिट फंक्शन में क्या क्या काम इंक्लूडेड है, क्या सच्ची में वो इंटरनल ऑडिट अच्छे से मॉनिटरिंग कर रहा है, एंड अगर कर रहा है तो एक्सटर्नल ऑडिटर उस पर रिलाई करके ओके कॉन्फिडेंस ले सकता है। दिस इज अवर कॉन्टेक्स्ट, ओके, लेकिन अगर ये क्वेश्चन याद नहीं रहा तो छोड़ देना क्योंकि ये इंटरनल ऑडिट के कॉन्सेप्ट में अपन कवर कर लेंगे मालिक। ओके, तो नेवरतheless ये वाला क्वेश्चन अच्छे से रख लेना, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल में ऑडिटर क्या-क्या चेक करेगा। तो मेरे को बता मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल में कितने आंसर है, दो आंसर है, एक है इंटरनल ऑडिटर नहीं है, एक इंटरनल ऑडिटर है। इंटरनल ऑडिटर अगर नहीं है तो 5 चीजें तुम्हें देखनी है, सबसे पहले पॉलिसी प्रोसीजर पता कर मॉनिटरिंग डिफाइन है क्या, दूसरा पता कर मैनेजमेंट कैसे कर रहा है, तीसरा पता कर मैनेजमेंट ऑनगोइंग कर रहा है सेपरेट कर रहा है, चौथा मैनेजमेंट को अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है मॉनिटरिंग करने के बाद, प्रॉब्लम आ रही है मतलब उनको कुछ डेफिशिएंसी मिल रही है तो उसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं, पांचवा स्मॉल एंटिटी में मॉनिटरिंग नहीं होगा। ओके, और अगर इंटरनल ऑडिटर है तो पता कर ले इंटरनल ऑडिटर सही है क्या, उसका साइज एंड स्ट्रक्चर क्या है, ओके उसके काम में क्या क्या इंक्लूडेड है, उनके फंक्शन में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो फिर उसका काम यूज कर सकता है कि नहीं पता कर ले, कॉन्फिडेंस ले सकता है कि नहीं ले सकता है। भारत माता की जय, दैट्स इट। ओके, दिस इज व्हाट विद इंटरनल कंट्रोल की कहानी इज देयर। ओके, मेरे ख्याल से तोड़ मालिक, ओके मेरे ख्याल से तोड़ समझ में आया आज का लेक्चर में, 1 घंटा हुआ, कल के 1 घंटे में अपन चैप्टर 4th को एंड करेंगे, चैप्टर 4th कल एंड हो जाएगा मालिक। ओके, कल के 1 घंटे में अपन क्या करेंगे, कल के 1 घंटे में इवैल्यूएशन करेंगे, इवैल्यूएशन को खत्म करेंगे। इवैल्यूएशन खत्म होने के बाद अगर आप देखोगे टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इवैल्यूएशन आईटी का रोल रहेगा, और उसके बाद आपका रहेगा इंटरनल ऑडिट जो के तोड़ पंचायती रहेगी, जिसके अंदर आप काम खत्म हो जाता है, और एक ICFR और ICOFR, बात खत्म। तोड़ भारत माता की जय, आई डू थिंक ओके आपके लिए तोड़ लेक्चर्स काम आ रहे हैं, तो काम आ रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट रहेगा, अप्रिशिएट करिए, लाइक करिए, और अल्टीमेटली ओके बस मजे से पढ़िए, रिजल्ट्स चाहिए मालिक, और मुझे वापस तुम फाइनल में मेरे पास चाहिए ऑडिट में भाई। ओके, तो सी फाइनल के ऑडिट में तोड़ मिलने चाहिए मालिक। ओके, मिलते हैं मालिक, अस्ता ला विस्ता, टेक केयर। ओके सर, एनी मोटिवेशन कोट, ओके देखिए मोटिवेशन कोट का तो एक ही का बोलूंगा मैं, आप काम करते जाइए, जितना अच्छे से काम करते जाओगे मोटिवेशन कोट अपने आप आते जाएगा। सर मैं जानता हूं आपके लास्ट में एक एग्जामिनेशन के टाइम पे थोड़े से इश्यूज आते हैं, ओके कॉमन है यार। ओके, मेरे को बताइए यार, आज भी मेरे लिए अभी एग्जांपल बोल रहा हूं, ओके मेरे को बताइए, टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूं, मैं सुबह 7:30 से काम पे लगा और अभी तक काम पे हूं मालिक,
ओके उसमें भी मेरे पास बीच में अभी अगर शायद जिसको मालूम होगा मेरे को डेंगू हुआ था, आई एम बीन सफरिंग फ्रॉम डेंगू फ्रॉम लास्ट 2 वीक, यानी ऑलरेडी मेरी बैचेस एग्जिस्टिंग बैचेस बहुत डिले हो गए क्योंकि सबको छुट्टी हुई थी, एलडीआर में डिले हुआ, ओके मेरे रिविजन में सब 19-20 हो रहा था, ओके उसके बाद भी ओके तोड़ काम कर रहे हैं मालिक, ओके करते जा रहे जब काम मिल रहा है, ओके देखो मेरे पास ऑप्शन मतलब ये भी तो ऑप्शन हो जाता मैं पुराना वाला लेक्चर, पर मेरे को करना ही था, नहीं ऐसा नहीं है, बस मेरे को ईएस नहीं करना है, तो ईएस मैं लेक्चर नहीं लेने वाला हूँ, एक दो दिन में अपलोड कर दूंगा मैं ईएस की प्लेलिस्ट मालिक, लेकिन ओके तोड़ काम करिए, मेहनत करिए, मैं आपको बता रहा हूं मेहनत का फल मिलता ही मिलता है, बस मेहनत का डायरेक्शन देखिए, ओके एक बेस्ट एग्जांपल है जो है मैंने मेहनत किस में करनी चाहिए, ईएस में करनी चाहिए, ऑडिट में करनी चाहिए, टेक्निकली है डायरेक्शन कौन सा देगा, आगे डायरेक्शन कौन सा रहेगा, सर आप बोलोगे ईएस में फिर करनी चाहिए क्योंकि ईएस के बच्चे है, तो मेरे को बताओ ईएस में नहीं किया ऐसा थोड़ा ना, ईएस की बैच अपन ने तोड़ की हुई है, इसके रिवीजन लेक्चर अवेलेबल है, ईएस के मैराथन अवेलेबल है, लेकिन ओके सर अभी आगे मेरे लिए टारगेट क्या रहेगा मालिक, and that's exactly what I'm doing and that's exactly you should do, you should do the hard work and hard work along with the smart work in the correct direction and malik okay वापस है okay हंसते रहिए जितना हंसोगे, आपने नोट किया होगा मालिक okay अपन ने अपन का चेहरा दिखा होगा, अपन हमेशा एक चीज तो क्लियर है okay लाखों गम होंगे okay लाखों गम होंगे लाखों दर्द होंगे लाखों गम होंगे लाखों दर्द होंगे लेकिन ए मालिक okay हंसना छोड़ा नहीं मालिक, तो मालिक ओके फालतू में ऐसे टाइम पास कर रहा था मालिक, लेकिन नेवरलेस ओके हंसना छोड़ा नहीं मालिक ओके, तो तोड़ मालिक हंसते रहिए काम करते रहिए तोड़ काम होता जाएगा, भारत माता की जय, अस्ताला विस्ता।